हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों के हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे साउथ इंडियन की सुपर हिट फिल्म मोस्ट मॉचाउटेड फिल्म सुपर स्टार अभिनेता नितिन सर के फिल्म मच्छरला नेजोकर का मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे, जो कि दोस्तों इस फिल्म को हिंदी डब संस्करण MC के नाम से भी डब संस्करण किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे मच्छरला नेजोकर का मूवी रिव्यू और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को भी बतलाएंगे जो दोस्तों आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ फुल HD में यूट्यूब पे कहाँ से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे और दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म मच्छरला मूवी का डायरेक्टर MS राजशेखर रेड्डी ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था और इस फिल्म का लिखित MS राजशेखर रेड्डी के द्वारा इस फिल्म का लिखित भी किया था। जबकि दोस्तों बात करें इस फिल्म का प्रोड्यूसर सुधाकर रेड्डी और निकिता रेड्डी ने मिलकर इस फिल्म का प्रोड्यूस किए थे। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन और अभिनेत्री कीर्ति शेट्टी, कैथरीन डरेसा के साथ साथ और भी स्टार देखने को नजर आएंगे। 12 अगस्त 2022 को रिलीज हुई फिल्म मच्छरला मूवी, जो कि 2022 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था और इस फिल्म का रनर टाइम 159 मिनट के साथ इस फिल्म को बनाई गई थी, जो कि इस फिल्म का तेलुगु भाषा के साथ रिलीज हुआ था, जो कि इस फिल्म को इंडियन सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। बात कर ले दोस्तों फिल्म मच्छरला नेजोकर मूवी को रिलीज, इस फिल्म का रिलीज 12 अगस्त 2022 को रिलीज किया गया था। 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज ने विनायक चतुर्थी के अवसर पर नितिन के साथ अपनी आगामी फिल्म की पूजा समारोह के साथ एक घोषणा की थी। इसका निर्माण श्रेष्ठ मूवीज के बैनर तले आदित्य मूवीज एंड इंटरटेनमेंट्स के सहयोग से किया गया है। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2021 में शुरू हुई थी और संगीत तब भीषम और उस्ताद के बाद नितिन के साथ उनके तीसरे सहयोग महथी और सौरभ सागर द्वारा रचित है। फिल्म की ऑडियो आदित्य म्यूजिक द्वारा वितरित किया गया था, जबकि पहला एकल शीर्षक चिल मारो नकाश अजीज संजना और कमांजे द्वारा गाया गया था और इसे 31 मई 2022 को रिलीज किया गया था। रारा रेडी आई एम रेडी शीर्षक वाला दूसरा एकल 9 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया था। सुपरस्टार अभिनेता नितिन की पहली फिल्म जयम का गाना रानु रानु अतुडी और चिन्नधो भी गाने के भीतर रिक्रिएट किया गया था। फिल्म मच्छरला नेजोकर, जो कि 2022 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे एम एस राजशेखर रेड्डी के डायरेक्टर में बनी फिल्म है, जो कि श्रेष्ठ मूवीज द्वारा निर्मित है और फिल्म में नितिन, कृति शेट्टी और कैथरीन डरेसा के साथ साथ कई स्टार भी देखने को नजर आएंगे। इसे 12 अगस्त 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से ज्यादातर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन एन सिद्धार्थ रेड्डी आईएएस उर्फ नितिन शेट्टी के रूप में दिखाई देंगे, जबकि अभिनेत्री कीर्ति शेट्टी स्वाति के रूप में है। वैसे ही दोस्तों निधि के रूप में कैथरीन डरेसा अपना रोल निभा रही है। और बात करें दोस्तों MS राजशेखर के डायरेक्टर में बनी फिल्म मच्छरला नेजोकर मूवी का सुपरस्टार अभिनेता नितिन, जो कि यह एक भारतीय अभिनेता है, जो कि जिन्होंने मुख्य रूप से नितिन के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता निर्माता जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। निधि ने अपने काम ने उन्हें एक फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर अवार्ड के लिए 2 नामांकन अर्जित किया है। नितिन ने 2002 में रोमांटिक एक्शन फिल्म जयम 2002 से अभिनय की शुरुआत की और उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण दक्षिण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था।
इसके बाद नितिन दिल 2003 और श्री अंजयम 2004 और सई 2004 में दिखाई दिए थे। जबकि बात करें दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर असफलताओं की एक श्रृंखला के बाद नितिन ने रोमांस फिल्म इश्क 2012 के साथ सफलता हासिल की थी। उनकी अन्य सफल फिल्मों में गुंडे जारी ग्लेंथी येंदे 2013 और हार्ट अटैक 2014, एआर 2016 और भीषण 2020 शामिल है। 2013 में नितिन ने अपना खुद का प्रोडक्शन स्टूडियो श्रेष्ठ मूवीज का स्थापना किया था, जबकि नितिन ने तेलंगाना राज्य के लिए स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी है। फिल्म मचारा नेजो कर्घम मूवी में सुपरस्टार अभिनेता नितिन की जबरदस्त भूमिका चली है, जो कि इनका किरदार को देखते हुए फैंस काफी इंजॉय उठाया था। फिल्म मचारा नेजो कर्घम मूवी में अभिनेत्री कीर्ति सेट्टी और सुपरस्टार अभिनेता नितिन काफी जबरदस्त भूमिका निभाए हैं, जो कि दोस्तों आजकल भी यह फैंस के जुबा पर चलते हैं। फिल्म मचारा नेजो कर्घम में सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने करियर की शुरुआत 2002 में तेजा के सुपरस्टार दो में रवि नितिन ने अपने शुरुआती 2002 में तेजा द्वारा डायरेक्टर में फिल्म जयम से की थी, जो कि निर्देशक तेजा ने उन्होंने सुदर्शन 35 मिमी थिएटर में अपनी फिल्म नुबुन्नु और नैनु की स्क्रीनिंग पर दो बार देखा गया था। फिर तेजा ने उससे उनकी अभिनय रुचि के बारे में पूछताछ की और एक स्क्रीन टेस्ट और फोटो सत्र किया था और उन्होंने अपने निर्देशक और प्रोडक्शन वेंचर जयम के लिए लीड के रूप में चुना गया था, और जिसमें श्रद्धा और गोपी चंद भी है। 2003 में नितिन ने बीबी विनायक द्वारा निर्देशित फिल्म 2003 में निर्देशित फिल्म दिल में अभिनय किया था और दिलराजू द्वारा निर्मित बाद में उसी वर्ष नितिन ने संभ्रम फिल्म में अभिनय किया था। और उसके बाद बात करें दोस्तों अभिनेत्री सुपरस्टार अभिनेत्री कीर्ति सेट्टी, जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कि तेलुगु फिल्म में दिखाई देती है। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों अपेन्ना 2021 के साथ अपनी शुरुआत की थी और कीर्ति सेट्टी ने अपनी मित्र भाषा तुलु यानी हिंदी और अंग्रेजी बोल सकती है। उन्होंने तेलुगु बोलना सीख लिया और अपने फिल्मी करियर के लिए तमिल भी सीख रही थी। कीर्ति सेट्टी ने एक अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु फिल्मों में दिखाई देती है और उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों अपेन्ना 2021 में अपनी शुरुआत की थी। उसके बाद सुपरस्टार अभिनेता नितिन के साथ मचारा नेजो कर्घम मूवी में अभिनेत्री कीर्ति सेट्टी और सुपरस्टार अभिनेता नितिन की जोड़ी देखने को आप जानते होंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ फुल HD में यूट्यूब पे कहां से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे और दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म मचारा मूवी का डायरेक्टर MS राजशेखर रेड्डी ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था और इस फिल्म का लिखित MS राजशेखर रेड्डी के द्वारा इस फिल्म का लिखित भी किया था। जबकि दोस्तों बात करें इस फिल्म का प्रोड्यूसर सुधाकर रेड्डी और निकिता रेड्डी ने मिलकर इस फिल्म का प्रोड्यूस किए थे। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन और अभिनेत्री कीर्ति सेट्टी कैथरीन टेरेसा के साथ साथ और भी स्टार देखने को नजर आएंगे। 12 अगस्त 2022 को रिलीज हुई फिल्म मचारा मूवी जो कि 2022 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था और इस फिल्म का रन टाइम 159 मिनट के साथ इस फिल्म को बनाई गई थी, जो कि इस फिल्म का तेलुगु भाषा के साथ रिलीज हुआ था, जो कि इस फिल्म को इंडियन सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। बात कर ले दोस्तों फिल्म मचारा नेजो कर्घम मूवी को रिलीज इस फिल्म का रिलीज 12 अगस्त 2022 को रिलीज किया गया था। 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज ने विनायक चतुर्थी के अवसर पर नितिन के साथ अपनी आगामी फिल्म की पूजा समारोह के साथ एक घोषणा की थी।
इसका निर्माण श्रेष्ठ मूवीज के बैनर तले आदित्य मूवीज एंड इंटरटेनमेंट्स के सहयोग से किया गया है। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2021 में शुरू हुई थी और संगीत भीषम और उस्ताद के बाद नितिन के साथ उनके तीसरे सहयोग महथी और सौरभ सागर द्वारा रचित है। फिल्म की ऑडियो आदित्य म्यूजिक द्वारा वितरित किया गया था, जबकि पहला एकल शीर्षक चिल मारो नकाश अजीज संजना और कमांजे द्वारा गाया गया था और इसे 31 मई 2022 को रिलीज किया गया था। रारा रेडी आई एम रेडी शीर्षक वाला दूसरा एकल 9 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया था। सुपरस्टार अभिनेता नितिन की पहली फिल्म जयम का गाना रानू रानू अतुडी और चिन्नधो भी गाने के भीतर रिक्रिएट किया गया था। फिल्म मचरला नेजो करकम जो कि 2022 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे एम एस राजशेखर रेड्डी के डायरेक्टर में बनी फिल्म है, जो कि श्रेष्ठ मूवीज द्वारा निर्मित है और फिल्म में नितिन कृति सेठी और कैथरीन ट्रेसा के साथ साथ कई स्टार भी देखने को नजर आएंगे। इसे 12 अगस्त 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन एन सिद्धार्थ रेड्डी आई एस उर्फ नितिन सेठी के रूप में दिखाई देंगे, जबकि अभिनेत्री कीर्ति सेठी स्वाति के रूप में है। वैसे ही दोस्तों, निधि के रूप में कैथरीन ट्रेसा अपना रोल निभा रही है और बात करें दोस्तों एम एस राजशेखर के डायरेक्टर में बनी फिल्म मचरला नेजो करघम मूवी का सुपरस्टार अभिनेता नितिन, जो कि यह एक भारतीय अभिनेता है जो कि जिन्होंने मुख्य रूप से नितिन के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता निर्माता जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। नितिन ने अपने काम ने उन्हें एक फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर अवार्ड के लिए 2 नामांकन अर्जित किया है। नितिन ने 2002 में रोमांटिक एक्शन फिल्म जयम 2002 से अभिनय की शुरुआत की और उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण दक्षिण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। इसके बाद नितिन दिल 2003 और श्री अंजयम 2004 और सई 2004 में दिखाई दिए थे। जबकि बात करें दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर असफलताओं की एक श्रृंखला के बाद नितिन ने रोमांस फिल्म इश्क 2012 के साथ सफलता हासिल की थी। उनकी अन्य सफल फिल्मों में गुंडे जारी ग्लेंथी येंदे 2013 और हार्ट अटैक 2014, AR 2016 और हिसन 2020 शामिल है। 2013 में नितिन ने अपना खुद का प्रोडक्शन स्टूडियो श्रेष्ठ मूवीज का स्थापना किया था, जबकि नितिन ने तेलंगाना राज्य के लिए स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी है। फिल्म मचरला नेजो करघम मूवी में सुपरस्टार अभिनेता नितिन की जबरदस्त भूमिका चली है, जो कि इनका किरदार को देखते हुए फैंस काफ़ी इंजॉय उठाया था। फिल्म मचरला नेजो करघम मूवी में अभिनेत्री कीर्ति सेठी और सुपरस्टार अभिनेता नितिन काफ़ी जबरदस्त भूमिका निभाए हैं, जो कि दोस्तों आजकल भी यह फैंस के जुबा पर चलते हैं। फिल्म मचरला नेजो करघम में सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने करियर की शुरुआत 2002 में तेजा के सुपरस्टार दो में रवि नितिन ने अपने शुरुआती 2002 में तेजा द्वारा डायरेक्टर में फिल्म जयम से की थी, जो कि निर्देशक तेजा ने उन्होंने सुदर्शन 35 मिमी थिएटर में अपनी फिल्म नुबुन्नु और नैनू की स्क्रीनिंग पर 2 बार देखा गया था। फिर तेजा ने उससे उनकी अभिनय रुचि के बारे में पूछताछ की और एक स्क्रीन टेस्ट और फोटो सत्र किया था और उन्होंने अपने निर्देशक और प्रोडक्शन वेंचर जयम के लिए लीड के रूप में चुना गया था, और जिसमें श्रद्धा और गोपी चंद भी है। 2003 में नितिन ने बीबी विनायक द्वारा निर्देशित फिल्म
दिल में अभिनय किया था और दिलराजु द्वारा निर्मित बाद में उसी वर्ष नितिन ने संभ्रम फिल्म में अभिनय किया था। और उसके बाद बात करें दोस्तों अभिनेत्री सुपरस्टार अभिनेत्री कीर्ति शेट्टी, जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कि तेलुगु फिल्म में दिखाई देती है। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों अप्पन्ना 2021 के साथ अपनी शुरुआत की थी और कीर्ति शेट्टी ने अपनी मित्र भाषा तुलु यानी हिंदी और अंग्रेजी बोल सकती है। उन्होंने तेलुगु बोलना सीख लिया और अपने फिल्मी करियर के लिए तमिल भी सीख रही थी। कीर्ति शेट्टी ने एक अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु फिल्मों में दिखाई देती है और उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों अप्पन्ना 2021 में अपनी शुरुआत की थी। उसके बाद सुपरस्टार अभिनेता नितिन के साथ मचरला नियाजो करघम मूवी में अभिनेत्री कीर्ति शेट्टी और सुपरस्टार अभिनेता नितिन की जोड़ी देखने को आपको मिलेंगे। हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों के हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे साउथ इंडियन की सुपर हिट फिल्म मोस्ट चार्टेड फिल्म सुपरस्टार अभिनेता नितिन सर के फिल्म मचरला नियाजो करघम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे, जो कि दोस्तों इस फिल्म को हिंदी डब संस्करण MCK नाम से भी डब संस्करण किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे मचरला नियाजो करघम मूवी रिव्यू और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को भी बतलाएंगे जो दोस्तों आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ फुल HD में यूट्यूब पर कहाँ से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे और दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म मचरला मूवी का डायरेक्टर MS राजशेखर रेड्डी ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था और इस फिल्म का लिखित MS राजशेखर रेड्डी के द्वारा इस फिल्म का लिखित भी किया था। जबकि दोस्तों बात करें इस फिल्म का प्रोड्यूसर सुधाकर रेड्डी और निकिता रेड्डी ने मिलकर इस फिल्म का प्रोड्यूस किए थे। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन और अभिनेत्री कीर्ति शेट्टी कैथरीन टेरेसा के साथ साथ और भी स्टार देखने को नजर आएंगे। 12 अगस्त 2022 को रिलीज हुई फिल्म मचरला मूवी जो कि 2022 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था और इस फिल्म का रनर टाइम 159 मिनट के साथ इस फिल्म को बनाई गई थी, जो कि इस फिल्म का तेलुगु भाषा के साथ रिलीज हुआ था, जो कि इस फिल्म को इंडियन सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। बात कर ले दोस्तों फिल्म मचरला नियाजो करघम मूवी को रिलीज इस फिल्म का रिलीज 12 अगस्त 2022 को रिलीज किया गया था। 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज ने विनायक चतुर्थी के अवसर पर नितिन के साथ अपनी आगामी फिल्म की पूजा समारोह के साथ एक घोषणा की थी। इसका निर्माण श्रेष्ठ मूवीज के बैनर तले आदित्य मूवीज एंड इंटरटेनमेंट्स के सहयोग से किया गया है। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2021 में शुरू हुई थी और संगीत भीषम और उस्ताद के बाद नितिन के साथ उनके तीसरे सहयोग महथी और सौरभ सागर द्वारा रचित है। फिल्म की ऑडियो आदित्य म्यूजिक द्वारा वितरित किया गया था, जबकि पहला एकल शीर्षक चिल मारो नकाश अजीज संजना और कमांजे द्वारा गाया गया था और इसे 31 मई 2022 को रिलीज किया गया था। रारा रेडी आई एम रेडी शीर्षक वाला दूसरा एकल 9 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया था। सुपरस्टार अभिनेता नितिन की पहली फिल्म जयम का गाना रानु रानु अतुडी और चिन्नधो भी गाने के भीतर रिक्रिएट किया गया था। फिल्म मचरला नियाजो करघम जो कि 2022 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे MS राजशेखर के रेड्डी
एमएस राजशेखर रेड्डी के डायरेक्टर में बनी फिल्म है, जो कि श्रेष्ठ मूवीज द्वारा निर्मित है। और फिल्म में नितिन कृति शेट्टी और कैथरीन ट्रेसा के साथ साथ कई स्टार भी देखने को नजर आएंगे। इसे 12 अगस्त 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन एन सिद्धार्थ रेड्डी आईएएस उर्फ नितिन शेट्टी के रूप में दिखाई देंगे, जबकि अभिनेत्री कीर्ति शेट्टी स्वाति के रूप में है। वैसे ही दोस्तों, निधि के रूप में कैथरीन ट्रेसा अपना रोल निभा रही है। और बात करें दोस्तों, एम एस राजशेखर के डायरेक्टर में बनी फिल्म मचैरला नियाजो कड़गम मूवी का सुपरस्टार अभिनेता नितिन, जो कि यह एक भारतीय अभिनेता है, जो कि जिन्होंने मुख्य रूप से नितिन के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता निर्माता जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। नितिन ने अपने काम ने उन्हें एक फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के लिए 2 नामांकन अर्जित किया है। नितिन ने 2002 में रोमांटिक एक्शन फिल्म जयम 2002 से अभिनय की शुरुआत की और उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण दक्षिण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। इसके बाद नितिन दिल 2003 और श्री अंजयम 2004 और सई 2004 में दिखाई दिए थे। जबकि बात करें दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर असफलताओं की एक श्रृंखला के बाद नितिन ने रोमांस फिल्म इश्क 2012 के साथ सफलता हासिल की थी। उनकी अन्य सफल फिल्मों में गुंडे जारी ग्लेंथी, येंदे 2013 और हार्ट अटैक 2014, एआर 2016 और हिसन 2020 शामिल है। 2013 में नितिन ने अपना खुद का प्रोडक्शन स्टूडियो श्रेष्ठ मूवीज का स्थापना किया था, जबकि नितिन ने तेलंगाना राज्य के लिए स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी है। फिल्म मचैरला नियाजो कड़गम मूवी में सुपरस्टार अभिनेता नितिन की जबरदस्त भूमिका चली है, जो कि इनका किरदार को देखते हुए फैंस काफी इंजॉय उठाया था। फिल्म मचैरला नियाजो कड़गम मूवी में अभिनेत्री कीर्ति शेट्टी और सुपरस्टार अभिनेता नितिन काफी जबरदस्त भूमिका निभाए हैं, जो कि दोस्तों आजकल भी यह फैंस के जुबान पर चलते हैं। फिल्म मचैरला नियाजो कड़गम में सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने करियर की शुरुआत 2002 में तेजा के सुपरस्टार दो में रवि नितिन ने अपने शुरुआती 2002 में तेजा द्वारा डायरेक्टर में फिल्म जयम से की थी, जो कि निर्देशक तेजा ने उन्होंने दूरदर्शन 35 मिमी थिएटर में अपनी फिल्म नुब्बुन्नु और नैनू की स्क्रीनिंग पर 2 बार देखा गया था। फिर तेजा ने उससे उनकी अभिनय रुचि के बारे में पूछताछ की और एक स्क्रीन टेस्ट और फोटो सत्र किया था, और उन्होंने अपने निर्देशक और प्रोडक्शन वेंचर जयम के लिए लीड के रूप में चुना गया था, और जिसमें श्रद्धा और गोपी चंद भी है। 2003 में नितिन ने बीबी विनायक द्वारा निर्देशित फिल्म 2003 में निर्देशित फिल्म दिल में अभिनय किया था, और दिलराजू द्वारा निर्मित बाद में उसी वर्ष नितिन ने संभ्रम फिल्म में अभिनय किया था। और उसके बाद बात करें दोस्तों, अभिनेत्री सुपरस्टार अभिनेत्री कीर्ति शेट्टी, जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेत्री है, जो कि तेलुगु फिल्म में दिखाई देती है। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों अप्पन्ना 2021 के साथ अपनी शुरुआत की थी, और कीर्ति शेट्टी ने अपनी मित्र भाषा तुलु यानी हिंदी और अंग्रेजी बोल सकती है। उन्होंने तेलुगु बोलना सीख लिया और अपने फिल्मी करियर के लिए तमिल भी सीख रही थी। कीर्ति शेट्टी ने एक अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु फिल्मों में दिखाई देती है, और उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों अप्पन्ना 2021 में अपनी शुरुआत की थी। उसके बाद सुपरस्टार अभिनेता नितिन के साथ मचैरला नियाजो कड़गम मूवी में अभिनेत्री कीर्ति शेट्टी और सुपरस्टार अभिनेता नितिन की जोड़ी देखने को आपको मिलेंगे।
हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों के हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म मोस्ट मॉचॉटेड फिल्म सुपरस्टार अभिनेता नितिन सर की फिल्म मचरला नेजोकरगम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे, जो कि दोस्तों इस फिल्म को हिंदी डब संस्करण MC के नाम से भी डब संस्करण किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे मचरला नेजोकरगम मूवी रिव्यू और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को भी बतलाएंगे जो दोस्तों आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ फुल HD में यूट्यूब पे कहाँ से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे और दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म मचरला मूवी का डायरेक्टर MS राजशेखर रेड्डी ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था और इस फिल्म का लिखित MS राजशेखर रेड्डी के द्वारा इस फिल्म का लिखित भी किया था। जबकि दोस्तों बात करें इस फिल्म का प्रोड्यूसर सुधाकर रेड्डी और निकिता रेड्डी ने मिलकर इस फिल्म का प्रोड्यूस किए थे। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन और अभिनेत्री कीर्ति सेट्टी कैथरीन टेरेसा के साथ साथ और भी स्टार देखने को नजर आएंगे। 12 अगस्त 2022 को रिलीज हुई फिल्म मचरला मूवी जो कि 2022 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था और इस फिल्म का रन टाइम 159 मिनट के साथ इस फिल्म को बनाई गई थी, जो कि इस फिल्म का तेलुगु भाषा के साथ रिलीज हुआ था, जो कि इस फिल्म को इंडियन सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। बात कर ले दोस्तों फिल्म मचरला नेजोकरगम मूवी को रिलीज, इस फिल्म का रिलीज 12 अगस्त 2022 को रिलीज किया गया था। 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज ने विनायक चतुर्थी के अवसर पर नितिन के साथ अपनी आगामी फिल्म की पूजा समारोह के साथ एक घोषणा की थी। इसका निर्माण श्रेष्ठ मूवीज के बैनर तले आदित्य मूवीज एंड इंटरटेनमेंट्स के सहयोग से किया गया है। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2021 में शुरू हुई थी और संगीत तब भीषम और उस्ताद के बाद नितिन के साथ उनके तीसरे सहयोग महत्थी और सौरभ सागर द्वारा रचित है। फिल्म की ऑडियो आदित्य म्यूजिक द्वारा वितरित किया गया था, जबकि पहला एकल शीर्षक चिल मारो नकाश अजीज संजना और कमांजे द्वारा गाया गया था और इसे 31 मई 2022 को रिलीज किया गया था। रारा रेडी आई एम रेडी शीर्षक वाला दूसरा एकल 9 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया था। सुपरस्टार अभिनेता नितिन की पहली फिल्म जयम का गाना रानू रानू अतुडी और चिन्न धो भी गाने के भीतर रिक्रिएट किया गया था। फिल्म मचरला नेजोकरगम जो कि 2022 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे एम एस राजशेखर रेड्डी के डायरेक्टर में बनी फिल्म है, जो कि श्रेष्ठ मूवीज द्वारा निर्मित है और फिल्म में नितिन कृति सेठी और कैथरीन टेरेसा के साथ साथ कई स्टार भी देखने को नजर आएंगे। इसे 12 अगस्त 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन एन सिद्धार्थ रेड्डी IAS उर्फ नितिन सेट्टी के रूप में दिखाई देंगे, जबकि अभिनेत्री कीर्ति सेट्टी स्वाति के रूप में है। वैसे ही दोस्तों निधि के रूप में कैथरीन ट्रसन अपना रोल निभा रही है। और बात करें दोस्तों MS राजशेखर के डायरेक्टर में बनी फिल्म मचरला नेजोकरगम मूवी का सुपरस्टार अभिनेता नितिन, जो कि यह एक भारतीय अभिनेता है जो कि जिन्होंने मुख्य रूप से नितिन के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता निर्माता जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। नितिन ने अपने काम ने उन्हें एक फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर अवार्ड के लिए 2 नामांकन अर्जित किया है। नितिन ने 2002 में रोमांटिक एक्शन फिल्म जयम 2002 से अभिनय की शुरुआत की और उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण दक्षिण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था।
इसके बाद नितिन दिल 2003 और श्री अंजयम 2004 और सई 2004 में दिखाई दिए थे। जबकि बात करें दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर असफलताओं की एक श्रृंखला के बाद नितिन ने रोमांस फिल्म इश्क 2012 के साथ सफलता हासिल की थी। उनकी अन्य सफल फिल्मों में गुंडे जारी ग्लेंथी येंदे 2013 और हार्ट अटैक 2014 AR 2016 और हिसन 2020 शामिल है। 2013 में नितिन ने अपना खुद का प्रोडक्शन स्टूडियो श्रेष्ठ मूवीज का स्थापना किया था। जबकि नितिन ने तेलंगाना राज्य के लिए स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी है। फिल्म मचारा नेजो करघम मूवी में सुपरस्टार अभिनेता नितिन की जबरदस्त भूमिका चली है, जो कि इनका किरदार को देखते हुए फैंस काफी इंजॉय उठाया था। फिल्म मचारा नेजो करघम मूवी में अभिनेत्री कीर्ति सेट्टी और सुपरस्टार अभिनेता नितिन काफी जबरदस्त भूमिका निभाए हैं, जो कि दोस्तों आजकल भी यह फैंस के जुबा पर चलते हैं। फिल्म मचारा नेजो करघम में सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने करियर की शुरुआत 2002 में तेजा के सुपरस्टार दो में रवि नितिन ने अपने शुरुआती 2002 में तेजा द्वारा डायरेक्टर में फिल्म जयम से की थी, जो कि निर्देशक तेजा ने उन्होंने सुदर्शन 35 मिमी थिएटर में अपनी फिल्म नुबुन्नु और नैनु की स्क्रीनिंग पर दो बार देखा गया था। फिर तेजा ने उससे उनकी अभिनय रुचि के बारे में पूछताछ की और एक स्क्रीन टेस्ट और फोटो सत्र किया था और उन्होंने अपने निर्देशक और प्रोडक्शन वेंचर जयम के लिए लीड के रूप में चुना गया था, और जिसमें श्रद्धा और गोपी चंद भी है। 2003 में नितिन ने बीबी विनायक द्वारा निर्देशित फिल्म 2003 में निर्देशित फिल्म दिल में अभिनय किया था और दिलराजू द्वारा निर्मित बाद में उसी वर्ष नितिन ने संभ्रम फिल्म में अभिनय किया था। और उसके बाद बात करें दोस्तों अभिनेत्री सुपरस्टार अभिनेत्री कीर्ति सेट्टी, जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कि तेलुगु फिल्म में दिखाई देती है। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों अप्पन्ना 2021 के साथ अपनी शुरुआत की थी और कीर्ति सेट्टी ने अपनी मित्र भाषा तुलु यानी हिंदी और अंग्रेजी बोल सकती है। उन्होंने तेलुगु बोलना सीख लिया और अपने फिल्मी करियर के लिए तमिल भी सीख रही थी। कीर्ति सेट्टी ने एक अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु फिल्मों में दिखाई देती है और उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों अप्पन्ना 2021 में अपनी शुरुआत की थी। उसके बाद सुपरस्टार अभिनेता नितिन के साथ मचारा नेजो करघम मूवी में अभिनेत्री कीर्ति सेट्टी और सुपरस्टार अभिनेता नितिन की जोड़ी देखने को आपको मिलेंगे। हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों के हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे साउथ इंडियन की सुपर हिट फिल्म मोस्ट एंड मोस्ट चार्टेड फिल्म सुपर स्टार अभिनेता नितिन सर के फिल्म मचारा नेजो करघम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे, जो कि दोस्तों इस फिल्म को हिंदी डब संस्करण MC के नाम से भी डब संस्करण किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे मचारा नेजो करघम मूवी रिव्यू और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को भी बतलाएंगे जो दोस्तों आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ फुल HD में यूट्यूब पे कहाँ से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे और दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म मचारा मूवी का डायरेक्टर MS राजशेखर रेड्डी ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था और इस फिल्म का लिखित MS राजशेखर रेड्डी के द्वारा इस फिल्म का लिखित भी किया था। जबकि दोस्तों बात करें इस फिल्म का प्रोड्यूसर सुधाकर रेड्डी और निकिता रेड्डी ने मिलकर इस फिल्म का प्रोड्यूस किए थे। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन और अभिनेत्री कीर्ति सेट्टी कैथरीन टेरेसा के साथ साथ और भी स्टार देखने को नजर आएंगे। 12 अगस्त 2022 को रिलीज हुई फिल्म मचारा मूवी
जो कि 2022 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था और इस फिल्म का रनर टाइम 159 मिनट के साथ इस फिल्म को बनाई गई थी, जो कि इस फिल्म का तेलुगु भाषा के साथ रिलीज हुआ था, जो कि इस फिल्म को इंडियन सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। बात कर ले दोस्तों फिल्म मचरला नियोजक करखम मूवी को रिलीज, इस फिल्म का रिलीज 12 अगस्त 2022 को रिलीज किया गया था। 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज ने विनायक चतुर्थी के अवसर पर नितिन के साथ अपनी आगामी फिल्म की पूजा समारोह के साथ एक घोषणा की थी। इसका निर्माण श्रेष्ठ मूवीज के बैनर तले आदित्य मूवीज एंड इंटरटेनमेंट्स के सहयोग से किया गया है। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2021 में शुरू हुई थी और संगीत भीषम और उस्ताद के बाद नितिन के साथ उनके तीसरे सहयोग महथी और सौरभ सागर द्वारा रचित है। फिल्म की ऑडियो आदित्य म्यूजिक द्वारा वितरित किया गया था, जबकि पहला एकल शीर्षक चिल मारो नकाश अजीज संजना और कमांजे द्वारा गाया गया था और इसे 31 मई 2022 को रिलीज किया गया था। रारा रेडी आई एम रेडी शीर्षक वाला दूसरा एकल 9 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया था। सुपरस्टार अभिनेता नितिन की पहली फिल्म जयम का गाना रानु रानु अतुडी और चिन्नधो भी गाने के भीतर रिक्रिएट किया गया था। फिल्म मचरला नियोजक करखम जो कि 2022 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे एम एस राजशेखर रेड्डी के डायरेक्टर में बनी फिल्म है, जो कि श्रेष्ठ मूवीज द्वारा निर्मित है और फिल्म में नितिन कृति सेठी और कैथरीन ट्रेसा के साथ साथ कई स्टार भी देखने को नजर आएंगे। इसे 12 अगस्त 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन एन सिद्धार्थ रेड्डी आई एस उर्फ नितिन सेट्टी के रूप में दिखाई देंगे, जबकि अभिनेत्री कीर्ति सेट्टी स्वाति के रूप में है। वैसे ही दोस्तों निधि के रूप में कैथरीन ट्रेसा अपना रोल निभा रही है और बात करें दोस्तों एम एस राजशेखर के डायरेक्टर में बनी फिल्म मचरला नियोजक करखम मूवी का सुपरस्टार अभिनेता नितिन, जो कि यह एक भारतीय अभिनेता है जो कि जिन्होंने मुख्य रूप से नितिन के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता निर्माता जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। निधि ने अपने काम ने उन्हें एक फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर अवार्ड के लिए 2 नामांकन अर्जित किया है। नितिन ने 2002 में रोमांटिक एक्शन फिल्म जयम 2002 से अभिनय की शुरुआत की और उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण दक्षिण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। इसके बाद नितिन दिल 2003 और श्री अंजयम 2004 और सई 2004 में दिखाई दिए थे। जबकि बात करें दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर असफलताओं की एक श्रृंखला के बाद नितिन ने रोमांस फिल्म इश्क 2012 के साथ सफलता हासिल की थी। उनकी अन्य सफल फिल्मों में गुंडे जारी ग्लेंथी येंदे 2013 और हार्ट अटैक 2014 AR 2016 और हिसन 2020 शामिल है। 2013 में नितिन ने अपना खुद का प्रोडक्शन स्टूडियो श्रेष्ठ मूवीज का स्थापना किया था, जबकि नितिन ने तेलंगाना राज्य के लिए स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी है। फिल्म मचरला नियोजक करखम मूवी में सुपरस्टार अभिनेता नितिन की जबरदस्त भूमिका चली है, जो कि इनका किरदार को देखते हुए फैंस काफी इंजॉय उठाया था। फिल्म मचरला नियोजक करखम मूवी में अभिनेत्री कीर्ति सेट्टी और सुपरस्टार अभिनेता नितिन काफ़ी ज़बरदस्त भूमिका निभाए हैं, जो कि दोस्तों आजकल भी यह फैंस के जुबा पर चलते हैं। फिल्म मचरला नियोजक करखम में सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने करियर की शुरुआत 2002 में तेजा के सुपरस्टार 2 में रवि नितिन ने अपने शुरुआती 2002 में तेजा द्वारा डायरेक्टर में फिल्म जयम से की थी, जो कि निर्देशक तेजा ने उन्होंने दूरदर्शन
35 मिमी थिएटर में अपनी फिल्म नुब्बुन्नु और नैनू की स्क्रीनिंग पर 2 बार देखा गया था। फिर तेजा ने उससे उनकी अभिनय रुचि के बारे में पूछताछ की और एक स्क्रीन टेस्ट और फोटो सत्र किया था, और उन्होंने अपने निर्देशक और प्रोडक्शन वेंचर जयम के लिए लीड के रूप में चुना गया था, और जिसमें श्रद्धा और गोपी चंद भी है। 2003 में नितिन ने बीबी विनायक द्वारा निर्देशित फिल्म 2003 में निर्देशित फिल्म दिल में अभिनय किया था, और दिलराजू द्वारा निर्मित बाद में उसी वर्ष नितिन ने संभ्रम फिल्म में अभिनय किया था। और उसके बाद बात करें दोस्तों अभिनेत्री सुपरस्टार अभिनेत्री कीर्ति शेट्टी, जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कि तेलुगु फिल्म में दिखाई देती है। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों अप्पन्ना 2021 के साथ अपनी शुरुआत की थी, और कीर्ति शेट्टी ने अपनी मित्र भाषा तुलु यानी हिंदी और अंग्रेजी बोल सकती है। उन्होंने तेलुगु बोलना सीख लिया और अपने फिल्मी करियर के लिए तमिल भी सीख रही थी। कीर्ति शेट्टी ने एक अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु फिल्मों में दिखाई देती है, और उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों अप्पन्ना 2021 में अपनी शुरुआत की थी। उसके बाद सुपरस्टार अभिनेता नितिन के साथ मचरला नियाजो करगम मूवी में अभिनेत्री कीर्ति शेट्टी और सुपरस्टार अभिनेता नितिन की जोड़ी देखने को आपको मिलेंगे। हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों के हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म मोस्ट एंड मोस्ट चार्टेड फिल्म सुपरस्टार अभिनेता नितिन सर की फिल्म मचरला नियाजो करगम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे, जो कि दोस्तों इस फिल्म को हिंदी डब संस्करण MC के नाम से भी डब संस्करण किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे मचरला नियाजो करगम मूवी मूवी रिव्यू, और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को भी बतलाएंगे जो दोस्तों आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ फुल HD में यूट्यूब पे कहाँ से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे, और दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म मचरला मूवी का डायरेक्टर MS राजशेखर रेड्डी ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था, और इस फिल्म का लिखित MS राजशेखर रेड्डी के द्वारा इस फिल्म का लिखित भी किया था। जबकि दोस्तों बात करें इस फिल्म का प्रोड्यूसर सुधाकर रेड्डी और निकिता रेड्डी ने मिलकर इस फिल्म का प्रोड्यूस किए थे। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन और अभिनेत्री कीर्ति शेट्टी कैथरीन टेरेसा के साथ साथ और भी स्टार देखने को नजर आएंगे। 12 अगस्त 2022 को रिलीज हुई फिल्म मचरला मूवी, जो कि 2022 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था, और इस फिल्म का रन टाइम 159 मिनट के साथ इस फिल्म को बनाई गई थी, जो कि इस फिल्म का तेलुगु भाषा के साथ रिलीज हुआ था, जो कि इस फिल्म को इंडियन सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। बात कर ले दोस्तों फिल्म मचरला नियाजो करगम मूवी को रिलीज इस फिल्म का रिलीज 12 अगस्त 2022 को रिलीज किया गया था। 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज ने विनायक चतुर्थी के अवसर पर नितिन के साथ अपनी आगामी फिल्म की पूजा समारोह के साथ एक घोषणा की थी। इसका निर्माण श्रेष्ठ मूवीज के बैनर तले आदित्य मूवीज एंड इंटरटेनमेंट्स के सहयोग से किया गया है। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2021 में शुरू हुई थी, और संगीत भीषम और उस्ताद के बाद नितिन के साथ उनके तीसरे सहयोग महथी और सौरभ सागर द्वारा रचित है। फिल्म की ऑडियो आदित्य म्यूजिक द्वारा वितरित किया गया था, जबकि पहला एकल शीर्षक चिल मारो नकाश अजीज अजीज संजना और कमांजे द्वारा गाया गया था, और इसे 31 मई 2022 को रिलीज किया गया था। रा रा रेडी आई एम रेडी शीर्षक वाला दूसरा एकल 9 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया था। सुपरस्टार अभिनेता नितिन की पहली फिल्म जयम का गाना
रानू रानू अतुडी और चिन्ना धो भी गाने के भीतर रिक्रिएट किया गया था। फिल्म मचरला नेजो करकम जो कि 2022 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे एम एस राजशेखर रेड्डी के डायरेक्टर में बनी फिल्म है, जो कि श्रेष्ठ मूवीज द्वारा निर्मित है। और फिल्म में नितिन कृति सेठी और कैथरीन ट्रेसा के साथ साथ कई स्टार भी देखने को नजर आएंगे। इसे 12 अगस्त 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन एन सिद्धार्थ रेड्डी आई एस उर्फ नितिन सेट्टी के रूप में दिखाई देंगे, जबकि अभिनेत्री कीर्ति सेट्टी स्वाति के रूप में है। वैसे ही दोस्तों, निधि के रूप में कैथरीन ट्रेसा अपना रोल निभा रही है। और बात करें दोस्तों एम एस राजशेखर के डायरेक्टर में बनी फिल्म मचरला नेजो करकम मूवी का सुपरस्टार अभिनेता नितिन, जो कि यह एक भारतीय अभिनेता है, जो कि जिन्होंने मुख्य रूप से नितिन के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता निर्माता जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। नितिन ने अपने काम ने उन्हें एक फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर अवार्ड के लिए 2 नामांकन अर्जित किया है। नितिन ने 2002 में रोमांटिक एक्शन फिल्म जयम 2002 से अभिनय की शुरुआत की और उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण दक्षिण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। इसके बाद नितिन दिल 2003 और श्री अंजयम 2004 और सई 2004 में दिखाई दिए थे। जबकि बात करें दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर असफलताओं की एक श्रृंखला के बाद नितिन ने रोमांस फिल्म इश्क 2012 के साथ सफलता हासिल की थी। उनकी अन्य सफल फिल्मों में गुंडे जारी ग्लेंथी येंदे 2013 और हार्ट अटैक 2014, AR 2016 और हिसन 2020 शामिल है। 2013 में नितिन ने अपना खुद का प्रोडक्शन स्टूडियो श्रेष्ठ मूवीज का स्थापना किया था, जबकि नितिन ने तेलंगाना राज्य के लिए स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी है। फिल्म मचरला नेजो करकम मूवी में सुपरस्टार अभिनेता नितिन की जबरदस्त भूमिका चली है, जो कि इनका किरदार को देखते हुए फैंस काफ़ी इंजॉय उठाया था। फिल्म मचरला नेजो करकम मूवी में अभिनेत्री कीर्ति सेट्टी और सुपरस्टार अभिनेता नितिन काफ़ी जबरदस्त भूमिका निभाए हैं, जो कि दोस्तों आजकल भी यह फैंस के जुबा पर चलते हैं। फिल्म मचरला नेजो करकम में सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने करियर की शुरुआत 2002 में तेजा के सुपरस्टार दो में रवि नितिन ने अपने शुरुआती 2002 में तेजा द्वारा डायरेक्टर में फिल्म जयम से की थी, जो कि निर्देशक तेजा ने उन्होंने सुदर्शन 35 मिमी थिएटर में अपनी फिल्म नुबुन्नु और नैनू की स्क्रीनिंग पर 2 बार देखा गया था। फिर तेजा ने उससे उनकी अभिनय रुचि के बारे में पूछताछ की और एक स्क्रीन टेस्ट और फोटो सत्र किया था और उन्होंने अपने निर्देशक और प्रोडक्शन वेंचर जयम के लिए लीड के रूप में चुना गया था, और जिसमें श्रद्धा और गोपी चंद भी है। 2003 में नितिन ने बीबी विनायक द्वारा निर्देशित फिल्म 2003 में निर्देशित फिल्म दिल में अभिनय किया था और दिल राजू द्वारा निर्मित बाद में उसी वर्ष नितिन ने संभ्रम फिल्म में अभिनय किया था। और उसके बाद बात करें दोस्तों अभिनेत्री सुपरस्टार अभिनेत्री कीर्ति सेट्टी, जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कि तेलुगु फिल्म में दिखाई देती है। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों अप्पन्ना 2021 के साथ अपनी शुरुआत की थी और कीर्ति सेट्टी ने अपनी मित्र भाषा तुलु यानी हिंदी और अंग्रेजी बोल सकती है। उन्होंने तेलुगु बोलना सीख लिया और अपने फिल्मी करियर के लिए तमिल भी सीख रही थी। कीर्ति सेट्टी ने एक अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु फिल्मों में दिखाई देती है और उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों अप्पन्ना 2021 में अपनी शुरुआत की थी।
उसके बाद सुपरस्टार अभिनेता नितिन के साथ मचरला नेजो करगम मूवी में अभिनेत्री कीर्ति शेट्टी और सुपरस्टार अभिनेता नितिन की जोड़ी देखने को आपको मिलेंगे। हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों के हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे साउथ इंडियन की सुपर हिट फिल्म, मोस्ट एंड मोस्ट चार्टेड फिल्म, सुपर स्टार अभिनेता नितिन सर के फिल्म मचरला नेजो करगम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे, जो कि दोस्तों इस फिल्म को हिंदी डब संस्करण MCK नाम से भी डब संस्करण किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे मचरला नेजो करगम मूवी रिव्यू और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को भी बतलाएंगे जो दोस्तों आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ फुल HD में YouTube पे कहाँ से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे और दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म मचरला मूवी का डायरेक्टर MS राजशेखर रेड्डी ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था और इस फिल्म का लिखित MS राजशेखर रेड्डी के द्वारा इस फिल्म का लिखित भी किया था। जबकि दोस्तों बात करें इस फिल्म का प्रोड्यूसर सुधाकर रेड्डी और निकिता रेड्डी ने मिलकर इस फिल्म का प्रोड्यूस किए थे। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन और अभिनेत्री कीर्ति शेट्टी कैथरीन टेरेसा के साथ साथ और भी स्टार देखने को नजर आएंगे। 12 अगस्त 2022 को रिलीज हुई फिल्म मचरला मूवी जो कि 2022 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था और इस फिल्म का रनर टाइम 159 मिनट के साथ इस फिल्म को बनाई गई थी, जो कि इस फिल्म का तेलुगु भाषा के साथ रिलीज हुआ था, जो कि इस फिल्म को इंडियन सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। बात कर ले दोस्तों फिल्म मचरला नेजो करगम मूवी को रिलीज इस फिल्म का रिलीज 12 अगस्त 2022 को रिलीज किया गया था। 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज ने विनायक चतुर्थी के अवसर पर नितिन के साथ अपनी आगामी फिल्म की पूजा समारोह के साथ एक घोषणा की थी। इसका निर्माण श्रेष्ठ मूवीज के बैनर तले आदित्य मूवीज एंड इंटरटेनमेंट्स के सहयोग से किया गया है। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2021 में शुरू हुई थी और संगीत भीषम और उस्ताद के बाद नितिन के साथ उनके तीसरे सहयोग महथी और सौरभ सागर द्वारा रचित है। फिल्म की ऑडियो आदित्य म्यूजिक द्वारा वितरित किया गया था, जबकि पहला एकल शीर्षक चिल मारो नकाश अजीज संजना और कमांजे द्वारा गाया गया था और इसे 31 मई 2022 को रिलीज किया गया था। रारा रेडी आई एम रेडी शीर्षक वाला दूसरा एकल 9 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया था। सुपरस्टार अभिनेता नितिन की पहली फिल्म जयम का गाना रानु रानु अतुडी और चिन्नधो भी गाने के भीतर रिक्रिएट किया गया था। फिल्म मचरला नेजो करगम जो कि 2022 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे एम एस राजशेखर रेड्डी के डायरेक्टर में बनी फिल्म है, जो कि श्रेष्ठ मूवीज द्वारा निर्मित है और फिल्म में नितिन कीर्ति शेट्टी और कैथरीन टेरेसा के साथ साथ कई स्टार भी देखने को नजर आएंगे। इसे 12 अगस्त 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन एन सिद्धार्थ रेड्डी आई एस उर्फ नितिन शेट्टी के रूप में दिखाई देंगे, जबकि अभिनेत्री कीर्ति शेट्टी स्वाति के रूप में है। वैसे ही दोस्तों निधि के रूप में कैथरीन टेरेसा अपना रोल निभा रही है। और बात करें दोस्तों MS राजशेखर के डायरेक्टर में बनी फिल्म मचरला नेजो करगम मूवी का सुपरस्टार अभिनेता नितिन, जो कि यह एक भारतीय अभिनेता है जो कि जिन्होंने मुख्य रूप से नितिन के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता निर्माता जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। निधि ने अपने काम ने उन्हें एक फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए
फिल्मफेयर अवार्ड के लिए 2 नामांकन अर्जित किया है। नितिन ने 2002 में रोमांटिक एक्शन फिल्म जयम 2002 से अभिनय की शुरुआत की और उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण दक्षिण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। इसके बाद नितिन दिल 2003 और श्री अंजयम 2004 और सई 2004 में दिखाई दिए थे। जबकि बात करें दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर असफलताओं की एक श्रृंखला के बाद नितिन ने रोमांस फिल्म इश्क 2012 के साथ सफलता हासिल की थी। उनकी अन्य सफल फिल्मों में गुंडे जारी ग्लेंथी येंदे 2013 और हार्ट अटैक 2014 AR 2016 और हिसन 2020 शामिल है। 2013 में नितिन ने अपना खुद का प्रोडक्शन स्टूडियो श्रेष्ठ मूवीज का स्थापना किया था। जबकि नितिन ने तेलंगाना राज्य के लिए स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी है। फिल्म मचारा नेजो करघम मूवी में सुपरस्टार अभिनेता नितिन की जबरदस्त भूमिका चली है, जो कि इनका किरदार को देखते हुए फैंस काफी इंजॉय उठाया था। फिल्म मचारा नेजो करघम मूवी में अभिनेत्री कीर्ति सेट्टी और सुपरस्टार अभिनेता नितिन काफ़ी जबरदस्त भूमिका निभाए हैं, जो कि दोस्तों आजकल भी यह फैंस के जुबा पर चलते हैं। फिल्म मचारा नेजो करघम में सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने करियर की शुरुआत 2002 में तेजा के सुपरस्टार 2 में रवि नितिन ने अपने शुरुआती 2002 में तेजा द्वारा डायरेक्टर में फिल्म जयम से की थी, जो कि निर्देशक तेजा ने उन्होंने दूरदर्शन 35 मिमी थिएटर में अपनी फिल्म नुबुन्नु और नैनू की स्क्रीनिंग पर 2 बार देखा गया था। फिर तेजा ने उससे उनकी अभिनय रुचि के बारे में पूछताछ की और एक स्क्रीन टेस्ट और फोटो सत्र किया था और उन्होंने अपने निर्देशक और प्रोडक्शन वेंचर जयम के लिए लीड के रूप में चुना गया था, और जिसमें श्रद्धा और गोपी चंद भी है। 2003 में नितिन ने बीबी विनायक द्वारा निर्देशित फिल्म 2003 में निर्देशित फिल्म दिल में अभिनय किया था और दिलराजू द्वारा निर्मित बाद में उसी वर्ष नितिन ने संभ्रम फिल्म में अभिनय किया था। और उसके बाद बात करें दोस्तों अभिनेत्री सुपरस्टार अभिनेत्री कीर्ति सेट्टी, जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कि तेलुगु फिल्म में दिखाई देती है। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों अपेन्ना 2021 के साथ अपनी शुरुआत की थी और कीर्ति सेट्टी ने अपनी मित्र भाषा तुलु यानी हिंदी और अंग्रेजी बोल सकती है। उन्होंने तेलुगु बोलना सीख लिया और अपने फिल्मी करियर के लिए तमिल भी सीख रही थी। कीर्ति सेट्टी ने एक अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु फिल्मों में दिखाई देती है और उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों अपेन्ना 2021 में अपनी शुरुआत की थी। उसके बाद सुपरस्टार अभिनेता नितिन के साथ मचारा नेजो करघम मूवी में अभिनेत्री कीर्ति सेट्टी और सुपरस्टार अभिनेता नितिन की जोड़ी देखने को आपको मिलेंगे। हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों के हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म मोस्ट चार्टेड फिल्म सुपरस्टार अभिनेता नितिन सर की फिल्म मचारा नेजो करघम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे, जो कि दोस्तों इस फिल्म को हिंदी डब संस्करण MC के नाम से भी डब संस्करण किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में रिव्यू करेंगे मचारा नेजो करघम मूवी रिव्यू और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को भी बतलाएंगे जो दोस्तों आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ फुल HD में यूट्यूब पे कहाँ से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे और दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म मचारा मूवी का डायरेक्टर MS राजशेखर रेड्डी ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था और इस फिल्म का लिखित MS राजशेखर रेड्डी के द्वारा इस फिल्म का लिखित भी किया था। जबकि दोस्तों बात करें इस फिल्म का प्रोड्यूसर सुधाकर रेड्डी और निकिता रेड्डी ने मिलकर इस फिल्म का प्रोड्यूस किए थे।
फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन और अभिनेत्री कृति शेट्टी कैथरीन टेरेसा के साथ साथ और भी स्टार देखने को नजर आएंगे। 12 अगस्त 2022 को रिलीज हुई फिल्म मचरला मूवी जो कि 2022 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था और इस फिल्म का रन टाइम 159 मिनट के साथ इस फिल्म को बनाई गई थी, जो कि इस फिल्म का तेलुगु भाषा के साथ रिलीज हुआ था, जो कि इस फिल्म को इंडियन सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। बात कर ले दोस्तों फिल्म मचरला नियाजो करखम मूवी को रिलीज, इस फिल्म का रिलीज 12 अगस्त 2022 को रिलीज किया गया था। 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज ने विनायक चतुर्थी के अवसर पर नितिन के साथ अपनी आगामी फिल्म की पूजा समारोह के साथ एक घोषणा की थी। इसका निर्माण श्रेष्ठ मूवीज के बैनर तले आदित्य मूवीज एंड इंटरटेनमेंट्स के सहयोग से किया गया है। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2021 में शुरू हुई थी और संगीत भीषम और उस्ताद के बाद नितिन के साथ उनके तीसरे सहयोग महथी और सौरभ सागर द्वारा रचित है। फिल्म की ऑडियो आदित्य म्यूजिक द्वारा वितरित किया गया था, जबकि पहला एकल शीर्षक चिल मारो नकाश अजीज संजना और कमांजे द्वारा गाया गया था और इसे 31 मई 2022 को रिलीज किया गया था। रारा रेडी आई एम रेडी शीर्षक वाला दूसरा एकल 9 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया था। सुपरस्टार अभिनेता नितिन की पहली फिल्म जयम का गाना रानू रानू अतुडी और चिन्नधो भी गाने के भीतर रिक्रिएट किया गया था। फिल्म मचरला नेजो करगम जो कि 2022 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे एम एस राजशेखर रेड्डी के डायरेक्टर में बनी फिल्म है, जो कि श्रेष्ठ मूवीज द्वारा निर्मित है और फिल्म में नितिन कृति शेट्टी और कैथरीन टेरेसा के साथ साथ कई स्टार भी देखने को नजर आएंगे। इसे 12 अगस्त 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन एन सिद्धार्थ रेड्डी आई एस उर्फ नितिन शेट्टी के रूप में दिखाई देंगे, जबकि अभिनेत्री कीर्ति शेट्टी स्वाति के रूप में है। वैसे ही दोस्तों निधि के रूप में कैथरीन टेरेसा अपना रोल निभा रही है और बात करें दोस्तों एम एस राजशेखर के डायरेक्टर में बनी फिल्म मचरला नियाजो करगम मूवी का सुपरस्टार अभिनेता नितिन, जो कि यह एक भारतीय अभिनेता है जो कि जिन्होंने मुख्य रूप से नितिन के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता निर्माता जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। नितिन ने अपने काम ने उन्हें एक फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर अवार्ड के लिए 2 नामांकन अर्जित किया है। नितिन ने 2002 में रोमांटिक एक्शन फिल्म जयम 2002 से अभिनय की शुरुआत की और उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण दक्षिण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। इसके बाद नितिन दिल 2003 और श्री अंजयम 2004 और सई 2004 में दिखाई दिए थे। जबकि बात करें दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर असफलताओं की एक श्रृंखला के बाद नितिन ने रोमांस फिल्म इश्क 2012 के साथ सफलता हासिल की थी। उनकी अन्य सफल फिल्मों में गुंडे जारी ग्लेंथी येंदे 2013 और हार्ट अटैक 2014 AR 2016 और हिसन 2020 शामिल है। 2013 में नितिन ने अपना खुद का प्रोडक्शन स्टूडियो श्रेष्ठ मूवीज का स्थापना किया था, जबकि नितिन ने तेलंगाना राज्य के लिए स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी है। फिल्म मचरला नेजो करगम मूवी में सुपरस्टार अभिनेता नितिन की जबरदस्त भूमिका चली है, जो कि इनका किरदार को देखते हुए फैंस काफी इंजॉय उठाया था। फिल्म मचरला नेजो करगम मूवी में अभिनेत्री कीर्ति शेट्टी और सुपरस्टार अभिनेता नितिन काफ़ी ज़बरदस्त भूमिका निभाए हैं, जो कि दोस्तों आजकल भी यह फैंस के जुबा पर चलते हैं। फिल्म मचरला नियाजो करगम में सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने करियर की शुरुआत 2002 में तेजा के सुपरस्टार 2 में
नितिन ने अपने शुरुआती 2002 में तेजा द्वारा डायरेक्टर में फिल्म जयम से की थी, जो कि निर्देशक तेजा ने उन्होंने सूरदर्शन 35 मिमी थिएटर में अपनी फिल्म नुबुन्नु और नैनू की स्क्रीनिंग पर दो बार देखा गया था। फिर तेजा ने उससे उनकी अभिनय रुचि के बारे में पूछताछ की और एक स्क्रीन टेस्ट और फोटो सत्र किया था, और उन्होंने अपने निर्देशक और प्रोडक्शन वेंचर जयम के लिए लीड के रूप में चुना गया था, और जिसमें श्रद्धा और गोपी चंद भी है। 2003 में नितिन ने बीबी विनायक द्वारा निर्देशित फिल्म 2003 में निर्देशित फिल्म दिल में अभिनय किया था, और दिलराजू द्वारा निर्मित बाद में उसी वर्ष नितिन ने संभ्रम फिल्म में अभिनय किया था। और उसके बाद बात करें दोस्तों अभिनेत्री सुपरस्टार अभिनेत्री कीर्ति शेट्टी, जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कि तेलुगु फिल्म में दिखाई देती है। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों अपेन्ना 2021 के साथ अपनी शुरुआत की थी, और कीर्ति शेट्टी ने अपनी मित्र भाषा तुलु यानी हिंदी और अंग्रेजी बोल सकती है। उन्होंने तेलुगु बोलना सीख लिया और अपने फिल्मी करियर के लिए तमिल भी सीख रही थी। कीर्ति शेट्टी ने एक अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु फिल्मों में दिखाई देती है, और उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों अपेन्ना 2021 में अपनी शुरुआत की थी। उसके बाद सुपरस्टार अभिनेता नितिन के साथ मचरला नियाजो करगम मूवी में अभिनेत्री कीर्ति शेट्टी और सुपरस्टार अभिनेता नितिन की जोड़ी देखने को आपको मिलेंगे। हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों के हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे साउथ इंडियन की सुपर हिट फिल्म मोस्ट एंड मोस्ट चार्टेड फिल्म सुपरस्टार अभिनेता नितिन सर के फिल्म मचरला नियाजो करगम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे, जो कि दोस्तों इस फिल्म को हिंदी डब संस्करण MC के नाम से भी डब संस्करण किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे मचरला नियाजो करगम मूवी रिव्यू, और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को भी बतलाएंगे जो दोस्तों आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ फुल HD में YouTube पे कहाँ से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे, और दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म मचरला मूवी का डायरेक्टर MS राजशेखर रेड्डी ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था, और इस फिल्म का लिखित MS राजशेखर रेड्डी के द्वारा इस फिल्म का लिखित भी किया था। जबकि दोस्तों बात करें इस फिल्म का प्रोड्यूसर सुधाकर रेड्डी और निकिता रेड्डी ने मिलकर इस फिल्म का प्रोड्यूस किए थे। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन और अभिनेत्री कीर्ति शेट्टी कैथरीन टेरेसा के साथ साथ और भी स्टार देखने को नजर आएंगे। 12 अगस्त 2022 को रिलीज हुई फिल्म मचरला मूवी, जो कि 2022 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था, और इस फिल्म का रनर टाइम 159 मिनट के साथ इस फिल्म को बनाई गई थी, जो कि इस फिल्म का तेलुगु भाषा के साथ रिलीज हुआ था, जो कि इस फिल्म को इंडियन सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। बात कर ले दोस्तों फिल्म मचरला नियाजो करगम मूवी को रिलीज 12 अगस्त 2022 को रिलीज किया गया था। 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज ने विनायक चतुर्थी के अवसर पर नितिन के साथ अपनी आगामी फिल्म की पूजा समारोह के साथ एक घोषणा की थी। इसका निर्माण श्रेष्ठ मूवीज के बैनर तले आदित्य मूवीज एंड इंटरटेनमेंट्स के सहयोग से किया गया है। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2021 में शुरू हुई थी, और संगीत तब भीषम और उस्ताद के बाद नितिन के साथ उनके तीसरे सहयोग महथी और सौरभ सागर द्वारा रचित है। फिल्म की ऑडियो आदित्य म्यूजिक द्वारा वितरित किया गया था, जबकि पहला एकल शीर्षक चिल मारो नकाश अजीज संजना और कमांजे द्वारा गाया गया था।
और इसे 31 मई 2022 को रिलीज किया गया था। रार आर रेडी आई एम रेडी शीर्षक वाला दूसरा एकल 9 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया था। सुपरस्टार अभिनेता नितिन की पहली फिल्म जयम का गाना रानु रानु अतुडी और चिन्नधो भी गाने के भीतर रिक्रिएट किया गया था। फिल्म मचरला नेजो करगम जो कि 2022 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे एम एस राजशेखर रेड्डी के डायरेक्टर में बनी फिल्म है, जो कि श्रेष्ठ मूवीज द्वारा निर्मित है। और फिल्म में नितिन, कृति सेठी और कैथरीन ट्रेसा के साथ साथ कई स्टार भी देखने को नजर आएंगे। इसे 12 अगस्त 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन एन सिद्धार्थ रेड्डी आई एस उर्फ नितिन सेट्टी के रूप में दिखाई देंगे, जबकि अभिनेत्री कीर्ति सेट्टी स्वाति के रूप में है। वैसे ही दोस्तों, निधि के रूप में कैथरीन ट्रेसा अपना रोल निभा रही है। और बात करें दोस्तों एम एस राजशेखर के डायरेक्टर में बनी फिल्म मचरला नेजो करगम मूवी का सुपरस्टार अभिनेता नितिन, जो कि यह एक भारतीय अभिनेता है, जो कि जिन्होंने मुख्य रूप से नितिन के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता निर्माता जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। नितिन ने अपने काम ने उन्हें एक फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर अवार्ड के लिए 2 नामांकन अर्जित किया है। नितिन ने 2002 में रोमांटिक एक्शन फिल्म जयम 2002 से अभिनय की शुरुआत की और उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण दक्षिण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। इसके बाद नितिन दिल 2003 और श्री अंजयम 2004 और सई 2004 में दिखाई दिए थे। जबकि बात करें दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर असफलताओं की एक श्रृंखला के बाद नितिन ने रोमांस फिल्म इश्क 2012 के साथ सफलता हासिल की थी। उनकी अन्य सफल फिल्मों में गुंडे जारी ग्लेंथी येंदे 2013 और हार्ट अटैक 2014, AR 2016 और हिसन 2020 शामिल है। 2013 में नितिन ने अपना खुद का प्रोडक्शन स्टूडियो श्रेष्ठ मूवीज का स्थापना किया था, जबकि नितिन ने तेलंगाना राज्य के लिए स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी है। फिल्म मचरला नेजो करगम मूवी में सुपरस्टार अभिनेता नितिन की जबरदस्त भूमिका चली है, जो कि इनका किरदार को देखते हुए फैंस काफी इंजॉय उठाया था। फिल्म मचरला नेजो करगम मूवी में अभिनेत्री कीर्ति सेट्टी और सुपरस्टार अभिनेता नितिन काफ़ी ज़बरदस्त भूमिका निभाए हैं, जो कि दोस्तों आजकल भी यह फैंस के जुबा पर चलते हैं। फिल्म मचरला नेजो करगम में सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने करियर की शुरुआत 2002 में तेजा के सुपरस्टार दो में रवि नितिन ने अपने शुरुआती 2002 में तेजा द्वारा डायरेक्टर में फिल्म जयम से की थी, जो कि निर्देशक तेजा ने उन्होंने सुदर्शन 35 मिमी थिएटर में अपनी फिल्म नुबुन्नु और नैनू की स्क्रीनिंग पर 2 बार देखा गया था। फिर तेजा ने उससे उनकी अभिनय रुचि के बारे में पूछताछ की और एक स्क्रीन टेस्ट और फोटो सत्र किया था और उन्होंने अपने निर्देशक और प्रोडक्शन वेंचर जयम के लिए लीड के रूप में चुना गया था, और जिसमें श्रद्धा और गोपी चंद भी है। 2003 में नितिन ने बीबी विनायक द्वारा निर्देशित फिल्म 2003 में निर्देशित फिल्म दिल में अभिनय किया था और दिलराजू द्वारा निर्मित बाद में उसी वर्ष नितिन ने संभ्रम फिल्म में अभिनय किया था। और उसके बाद बात करें दोस्तों अभिनेत्री सुपरस्टार अभिनेत्री कीर्ति सेट्टी, जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कि तेलुगु फिल्म में दिखाई देती है। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों अप्पन्ना 2021 के साथ अपनी शुरुआत की थी और कीर्ति सेट्टी ने अपनी मित्र भाषा तुलु यानी हिंदी और अंग्रेजी बोल सकती है। उन्होंने तेलुगु बोलना सीख लिया और अपने
फिल्मी करियर के लिए तमिल भी सीख रही थी। कीर्ति शेट्टी ने एक अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु फिल्मों में दिखाई देती है और उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों अपेन्ना 2021 में अपनी शुरुआत की थी। उसके बाद सुपरस्टार अभिनेता नितिन के साथ मचेरला नियाजो करघम मूवी में अभिनेत्री कीर्ति शेट्टी और सुपरस्टार अभिनेता नितिन की जोड़ी देखने को आपको मिलेंगे। हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों के हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे साउथ इंडियन की सुपर हिट फिल्म मोस्ट मॉचाउटेड फिल्म सुपर स्टार अभिनेता नितिन सर की फिल्म मचेरला नियाजो करघम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे, जो कि दोस्तों इस फिल्म को हिंदी डब संस्करण MC के नाम से भी डब संस्करण किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे मचेरला नियाजो करघम मूवी रिव्यू और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को भी बतलाएंगे जो दोस्तों आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ फुल HD में YouTube पे कहाँ से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे और दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म मचेरला मूवी का डायरेक्टर MS राजशेखर रेड्डी ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था और इस फिल्म का लिखित MS राजशेखर रेड्डी के द्वारा इस फिल्म का लिखित भी किया था। जबकि दोस्तों बात करें इस फिल्म का प्रोड्यूसर सुधाकर रेड्डी और निकिता रेड्डी ने मिलकर इस फिल्म का प्रोड्यूस किए थे। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन और अभिनेत्री कीर्ति शेट्टी कैथरीन टेरेसा के साथ साथ और भी स्टार देखने को नजर आएंगे। 12 अगस्त 2022 को रिलीज हुई फिल्म मचेरला मूवी जो कि 2022 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था और इस फिल्म का रनर टाइम 159 मिनट के साथ इस फिल्म को बनाई गई थी, जो कि इस फिल्म का तेलुगु भाषा के साथ रिलीज हुआ था, जो कि इस फिल्म को इंडियन सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। बात कर ले दोस्तों फिल्म मचेरला नियाजो करघम मूवी को रिलीज इस फिल्म का रिलीज 12 अगस्त 2022 को रिलीज किया गया था। 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज ने विनायक चतुर्थी के अवसर पर नितिन के साथ अपनी आगामी फिल्म की पूजा समारोह के साथ एक घोषणा की थी। इसका निर्माण श्रेष्ठ मूवीज के बैनर तले आदित्य मूवीज एंड इंटरटेनमेंट्स के सहयोग से किया गया है। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2021 में शुरू हुई थी और संगीत तब भीषम और उस्ताद के बाद नितिन के साथ उनके तीसरे सहयोग महथी और सौरभ सागर द्वारा रचित है। फिल्म की ऑडियो आदित्य म्यूजिक द्वारा वितरित किया गया था, जबकि पहला एकल शीर्षक चिल मारो नकाश अजीज संजना और कमांजे द्वारा गाया गया था और इसे 31 मई 2022 को रिलीज किया गया था। रारा रेडी आई एम रेडी शीर्षक वाला दूसरा एकल 9 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया था। सुपरस्टार अभिनेता नितिन की पहली फिल्म जयम का गाना रानू रानू अतुडी और चिन्न धो भी गाने के भीतर रिक्रिएट किया गया था। फिल्म मचेरला नियाजो करघम जो कि 2022 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे एम एस राजशेखर रेड्डी के डायरेक्टर में बनी फिल्म है, जो कि श्रेष्ठ मूवीज द्वारा निर्मित है और फिल्म में नितिन कीर्ति शेट्टी और कैथरीन टेरेसा के साथ साथ कई स्टार भी देखने को नजर आएंगे। इसे 12 अगस्त 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन एन सिद्धार्थ रेड्डी आई एस उर्फ नितिन शेट्टी के रूप में दिखाई देंगे, जबकि अभिनेत्री कीर्ति शेट्टी स्वाति के रूप में है। वैसे ही दोस्तों निधि के रूप में कैथरीन टेरेसा अपना रोल निभा रही है। और बात करें दोस्तों MS राजशेखर के डायरेक्टर में बनी फिल्म मचेरला नियाजो करघम मूवी का सुपरस्टार अभिनेता नितिन, जो कि यह एक भारतीय अभिनेता है जो कि जिन्होंने मुख्य रूप से
नितिन के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता निर्माता जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। नितिन ने अपने काम ने उन्हें एक फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर अवार्ड के लिए दो नामांकन अर्जित किया है। नितिन ने 2002 में रोमांटिक एक्शन फिल्म जयम 2002 से अभिनय की शुरुआत की और उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण दक्षिण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। इसके बाद नितिन दिल 2003 और श्री अंजयम 2004 और सई 2004 में दिखाई दिए थे। जबकि बात करें दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर असफलताओं की एक श्रृंखला के बाद नितिन ने रोमांस फिल्म इश्क 2012 के साथ सफलता हासिल की थी। उनकी अन्य सफल फिल्मों में गुंडे जारी ग्लेंथी येंदे 2013 और हार्ट अटैक 2014, एआर 2016 और हिसन 2020 शामिल है। 2013 में नितिन ने अपना खुद का प्रोडक्शन स्टूडियो श्रेष्ठ मूवीज का स्थापना किया था, जबकि नितिन ने तेलंगाना राज्य के लिए स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी है। फिल्म मचारा नेजो करघम मूवी में सुपरस्टार अभिनेता नितिन की जबरदस्त भूमिका चली है, जो कि इनका किरदार को देखते हुए फैंस काफ़ी इंजॉय उठाया था। फिल्म मचारा नेजो करघम मूवी में अभिनेत्री कीर्ति सेट्टी और सुपरस्टार अभिनेता नितिन काफ़ी जबरदस्त भूमिका निभाए हैं, जो कि दोस्तों आजकल भी यह फैंस के जुबा पर चलते हैं। फिल्म मचारला नेजो करघम में सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने करियर की शुरुआत 2002 में तेजा के सुपरस्टार दो में रवि नितिन ने अपने शुरुआती 2002 में तेजा द्वारा डायरेक्टर में फिल्म जयम से की थी, जो कि निर्देशक तेजा ने उन्होंने सुदर्शन 35 मिमी थिएटर में अपनी फिल्म नुबुन्नु और नैनु की स्क्रीनिंग पर दो बार देखा गया था। फिर तेजा ने उससे उनकी अभिनय रुचि के बारे में पूछताछ की और एक स्क्रीन टेस्ट और फोटो सत्र किया था और उन्होंने अपने निर्देशक और प्रोडक्शन वेंचर जयम के लिए लीड के रूप में चुना गया था, और जिसमें श्रद्धा और गोपी चंद भी है। 2003 में नितिन ने बीबी विनायक द्वारा निर्देशित फिल्म 2003 में निर्देशित फिल्म दिल में अभिनय किया था और दिलराजू द्वारा निर्मित बाद में उसी वर्ष नितिन ने संभ्रम फिल्म में अभिनय किया था। और उसके बाद बात करें दोस्तों अभिनेत्री सुपरस्टार अभिनेत्री कीर्ति सेट्टी, जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कि तेलुगु फिल्म में दिखाई देती है। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों अपेन्ना 2021 के साथ अपनी शुरुआत की थी और कीर्ति सेट्टी ने अपनी मित्र भाषा तुलु यानी हिंदी और अंग्रेजी बोल सकती है। उन्होंने तेलुगु बोलना सीख लिया और अपने फिल्मी करियर के लिए तमिल भी सीख रही थी। कीर्ति सेट्टी ने एक अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु फिल्मों में दिखाई देती है और उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों अपेन्ना 2021 में अपनी शुरुआत की थी। उसके बाद सुपरस्टार अभिनेता नितिन के साथ मचारला नेजो करघम मूवी में अभिनेत्री कीर्ति सेट्टी और सुपरस्टार अभिनेता नितिन की जोड़ी देखने को आपको मिलेंगे। हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों के हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म मोस्ट चार्टेड फिल्म सुपरस्टार अभिनेता नितिन सर के फिल्म मचारला नेजो करघम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे, जो कि दोस्तों इस फिल्म को हिंदी डब संस्करण MC के नाम से भी डब संस्करण किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे मचारला नेजो करघम मूवी रिव्यू और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को भी बतलाएंगे जो दोस्तों आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ फुल HD में यूट्यूब पर कहाँ से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे और दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म मचारला मूवी का डायरेक्टर
एम एस राजशेखर रेड्डी ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था और इस फिल्म का लिखित एम एस राजशेखर रेड्डी के द्वारा इस फिल्म का लिखित भी किया था। जबकि दोस्तों बात करें इस फिल्म का प्रोड्यूसर सुधाकर रेड्डी और निकिता रेड्डी ने मिलकर इस फिल्म का प्रोड्यूस किए थे। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन और अभिनेत्री कीर्ति शेट्टी कैथरीन टेरेसा के साथ साथ और भी स्टार देखने को नजर आएंगे। 12 अगस्त 2022 को रिलीज हुई फिल्म मचरला मूवी जो कि 2022 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था और इस फिल्म का रन टाइम 159 मिनट के साथ इस फिल्म को बनाई गई थी, जो कि इस फिल्म का तेलुगु भाषा के साथ रिलीज हुआ था, जो कि इस फिल्म को इंडियन सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। बात कर ले दोस्तों फिल्म मचरला नियजो करखम मूवी को रिलीज, इस फिल्म का रिलीज 12 अगस्त 2022 को रिलीज किया गया था। 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज ने विनायक चतुर्थी के अवसर पर नितिन के साथ अपनी आगामी फिल्म की पूजा समारोह के साथ एक घोषणा की थी। इसका निर्माण श्रेष्ठ मूवीज के बैनर तले आदित्य मूवीज एंड इंटरटेनमेंट्स के सहयोग से किया गया है। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2021 में शुरू हुई थी और संगीत भीषम और उस्ताद के बाद नितिन के साथ उनके तीसरे सहयोग महथी और सौरभ सागर द्वारा रचित है। फिल्म की ऑडियो आदित्य म्यूजिक द्वारा वितरित किया गया था, जबकि पहला एकल शीर्षक चिल मारो नकाश अजीज संजना और कमांजे द्वारा गाया गया था और इसे 31 मई 2022 को रिलीज किया गया था। रारा रेडी आई एम रेडी शीर्षक वाला दूसरा एकल 9 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया था। सुपरस्टार अभिनेता नितिन की पहली फिल्म जयम का गाना रानु रानु अतुडी और चिन्नधो भी गाने के भीतर रिक्रिएट किया गया था। फिल्म मचरला नेजो करगम जो कि 2022 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे एम एस राजशेखर रेड्डी के डायरेक्टर में बनी फिल्म है, जो कि श्रेष्ठ मूवीज द्वारा निर्मित है और फिल्म में नितिन कृति शेट्टी और कैथरीन टेरेसा के साथ साथ कई स्टार भी देखने को नजर आएंगे। इसे 12 अगस्त 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन एन सिद्धार्थ रेड्डी आई एस उर्फ नितिन शेट्टी के रूप में दिखाई देंगे, जबकि अभिनेत्री कीर्ति शेट्टी स्वाति के रूप में है। वैसे ही दोस्तों निधि के रूप में कैथरीन टेरेसा अपना रोल निभा रही है और बात करें दोस्तों एम एस राजशेखर के डायरेक्टर में बनी फिल्म मचरला नियजो करघम मूवी का सुपरस्टार अभिनेता नितिन, जो कि यह एक भारतीय अभिनेता है जो कि जिन्होंने मुख्य रूप से नितिन के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता निर्माता जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। निधि ने अपने काम ने उन्हें एक फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर अवार्ड के लिए 2 नामांकन अर्जित किया है। नितिन ने 2002 में रोमांटिक एक्शन फिल्म जयम 2002 से अभिनय की शुरुआत की और उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण दक्षिण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। इसके बाद नितिन दिल 2003 और श्री अंजयम 2004 और सई 2004 में दिखाई दिए थे। जबकि बात करें दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर असफलताओं की एक श्रृंखला के बाद नितिन ने रोमांस फिल्म इश्क 2012 के साथ सफलता हासिल की थी। उनकी अन्य सफल फिल्मों में गुंडे जारी ग्लेंथी येंदे 2013 और हार्ट अटैक 2014 AR 2016 और हिसन 2020 शामिल है। 2013 में नितिन ने अपना खुद का प्रोडक्शन स्टूडियो श्रेष्ठ मूवीज का स्थापना किया था, जबकि नितिन ने तेलंगाना राज्य के लिए स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी है। फिल्म मचरला नेजो करघम मूवी में सुपरस्टार अभिनेता नितिन की जबरदस्त भूमिका चली है, जो कि इनका किरदार को देखते हुए फैंस काफी इंजॉय उठाया था। फिल्म मचरला नेजो करघम मूवी में अभिनेत्री
कीर्ति शेट्टी और सुपरस्टार अभिनेता नितिन काफी जबरदस्त भूमिका निभाए हैं, जो कि दोस्तों आजकल भी यह फैंस के जुबा पर चलते हैं। फिल्म मचरला नियाजो करगम में सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने करियर की शुरुआत 2002 में तेजा के सुपरस्टार दो में रवि नितिन ने अपने शुरुआती 2002 में तेजा द्वारा डायरेक्टर में फिल्म जयम से की थी, जो कि निर्देशक तेजा ने उन्होंने सुदर्शन 35 मिमी थिएटर में अपनी फिल्म नुबुन्नु और नैनू की स्क्रीनिंग पर दो बार देखा गया था। फिर तेजा ने उससे उनकी अभिनय रुचि के बारे में पूछताछ की और एक स्क्रीन टेस्ट और फोटो सत्र किया था और उन्होंने अपने निर्देशक और प्रोडक्शन वेंचर जयम के लिए लीड के रूप में चुना गया था और जिसमें श्रद्धा और गोपी चंद भी है। 2003 में नितिन ने बीबी विनायक द्वारा निर्देशित फिल्म 2003 में निर्देशित फिल्म दिल में अभिनय किया था और दिलराजू द्वारा निर्मित बाद में उसी वर्ष नितिन ने संभ्रम फिल्म में अभिनय किया था। और उसके बाद बात करें दोस्तों अभिनेत्री सुपरस्टार अभिनेत्री कीर्ति शेट्टी, जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कि तेलुगु फिल्म में दिखाई देती है। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों अप्पन्ना 2021 के साथ अपनी शुरुआत की थी और कीर्ति शेट्टी ने अपनी मित्र भाषा तुलु यानी हिंदी और अंग्रेजी बोल सकती है। उन्होंने तेलुगु बोलना सीख लिया और अपने फिल्मी करियर के लिए तमिल भी सीख रही थी। कीर्ति शेट्टी ने एक अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु फिल्मों में दिखाई देती है और उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों अप्पन्ना 2021 में अपनी शुरुआत की थी। उसके बाद सुपरस्टार अभिनेता नितिन के साथ मचरला नियाजो करगम मूवी में अभिनेत्री कीर्ति शेट्टी और सुपरस्टार अभिनेता नितिन की जोड़ी देखने को आपको मिलेंगे। हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों के हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म मोस्ट चार्टेड फिल्म सुपरस्टार अभिनेता नितिन सर की फिल्म मचरला नियाजो करगम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे, जो कि दोस्तों इस फिल्म को हिंदी डब संस्करण MC के नाम से भी डब संस्करण किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे मचरला नियाजो करगम मूवी रिव्यू और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को भी बतलाएंगे जो दोस्तों आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ फुल HD में YouTube पे कहाँ से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे और दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म मचरला मूवी का डायरेक्टर MS राजशेखर रेड्डी ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था और इस फिल्म का लिखित MS राजशेखर रेड्डी के द्वारा इस फिल्म का लिखित भी किया था। जबकि दोस्तों बात करें इस फिल्म का प्रोड्यूसर सुधाकर रेड्डी और निकिता रेड्डी ने मिलकर इस फिल्म का प्रोड्यूस किए थे। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन और अभिनेत्री कीर्ति शेट्टी कैथरीन टेरेसा के साथ साथ और भी स्टार देखने को नजर आएंगे। 12 अगस्त 2022 को रिलीज हुई फिल्म मचरला मूवी, जो कि 2022 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था और इस फिल्म का रन टाइम 159 मिनट के साथ इस फिल्म को बनाई गई थी, जो कि इस फिल्म का तेलुगु भाषा के साथ रिलीज हुआ था, जो कि इस फिल्म को इंडियन सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। बात कर ले दोस्तों फिल्म मचरला नियाजो करगम मूवी को रिलीज इस फिल्म का रिलीज 12 अगस्त 2022 को रिलीज किया गया था। 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज ने विनायक चतुर्थी के अवसर पर नितिन के साथ अपनी आगामी फिल्म की पूजा समारोह के साथ एक घोषणा की थी। इसका निर्माण श्रेष्ठ मूवीज के बैनर तले आदित्य मूवीज एंड इंटरटेनमेंट्स के सहयोग से किया गया है। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2021 में शुरू हुई थी और संगीत भीषम और उस्ताद के बाद नितिन के साथ उनके तीसरे सहयोग महत्थी और सौरभ सागर द्वारा रचित है।
फिल्म की ऑडियो आदित्य म्यूजिक द्वारा वितरित किया गया था, जबकि पहला एकल शीर्षक चिल मारो नकाश अजीज अजीज संजना और कमांजे द्वारा गाया गया था और इसे 31 मई 2022 को रिलीज किया गया था। रारा रेडी आई एम रेडी शीर्षक वाला दूसरा एकल 9 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया था। सुपरस्टार अभिनेता नितिन की पहली फिल्म जयम का गाना रानू रानू अतुडी और चिन्नधो भी गाने के भीतर रिक्रिएट किया गया था। फिल्म मचरला नेजो करगम जो कि 2022 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे एम एस राजशेखर रेड्डी के डायरेक्टर में बनी फिल्म है, जो कि श्रेष्ठ मूवीज द्वारा निर्मित है और फिल्म में नितिन कृति सेठी और कैथरीन ट्रेसा के साथ साथ कई स्टार भी देखने को नजर आएंगे। इसे 12 अगस्त 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन एन सिद्धार्थ रेड्डी आई एस उर्फ नितिन सेठी के रूप में दिखाई देंगे, जबकि अभिनेत्री कीर्ति सेठी स्वाति के रूप में है। वैसे ही दोस्तों, निधि के रूप में कैथरीन ट्रेसा अपना रोल निभा रही है। और बात करें दोस्तों एम एस राजशेखर के डायरेक्टर में बनी फिल्म मचरला नेजो कोरगम मूवी का सुपरस्टार अभिनेता नितिन, जो कि यह एक भारतीय अभिनेता है जो कि जिन्होंने मुख्य रूप से नितिन के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता निर्माता जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। नितिन ने अपने काम ने उन्हें एक फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर अवार्ड के लिए 2 नामांकन अर्जित किया है। नितिन ने 2002 में रोमांटिक एक्शन फिल्म जयम 2002 से अभिनय की शुरुआत की और उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण दक्षिण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। इसके बाद नितिन दिल 2003 और श्री अंजयम 2004 और सई 2004 में दिखाई दिए थे। जबकि बात करें दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर असफलताओं की एक श्रृंखला के बाद नितिन ने रोमांस फिल्म इश्क 2012 के साथ सफलता हासिल की थी। उनकी अन्य सफल फिल्मों में गुंडे जारी ग्लेंथी येंदे 2013 और हार्ट अटैक 2014 AR 2016 और हिसन 2020 शामिल है। 2013 में नितिन ने अपना खुद का प्रोडक्शन स्टूडियो श्रेष्ठ मूवीज का स्थापना किया था, जबकि नितिन ने तेलंगाना राज्य के लिए स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी है। फिल्म मचरला नेजो कोरगम मूवी में सुपरस्टार अभिनेता नितिन की जबरदस्त भूमिका चली है, जो कि इनका किरदार को देखते हुए फैंस काफ़ी इंजॉय उठाया था। फिल्म मचरला नेजो कोरगम मूवी में अभिनेत्री कीर्ति सेठी और सुपरस्टार अभिनेता नितिन काफ़ी जबरदस्त भूमिका निभाए हैं, जो कि दोस्तों आजकल भी यह फैंस के जुबा पर चलते हैं। फिल्म मचरला नेजो कोरगम में सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने करियर की शुरुआत 2002 में तेजा के सुपरस्टार दो में रवि नितिन ने अपने शुरुआती 2002 में तेजा द्वारा डायरेक्टर में फिल्म जयम से की थी, जो कि निर्देशक तेजा ने उन्होंने सुदर्शन 35 मिमी थिएटर में अपनी फिल्म नुबुन्नु और नैनू की स्क्रीनिंग पर 2 बार देखा गया था। फिर तेजा ने उससे उनकी अभिनय रुचि के बारे में पूछताछ की और एक स्क्रीन टेस्ट और फोटो सत्र किया था और उन्होंने अपने निर्देशक और प्रोडक्शन वेंचर जयम के लिए लीड के रूप में चुना गया था, और जिसमें श्रद्धा और गोपी चंद भी है। 2003 में नितिन ने बीबी विनायक द्वारा निर्देशित फिल्म 2003 में निर्देशित फिल्म दिल में अभिनय किया था और दिलराजू द्वारा निर्मित बाद में उसी वर्ष नितिन ने संभ्रम फिल्म में अभिनय किया था। और उसके बाद बात करें दोस्तों अभिनेत्री सुपरस्टार अभिनेत्री कीर्ति सेठी, जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कि तेलुगु फिल्म में दिखाई देती है। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों
सफल फिल्मों अप्पन्ना 2021 के साथ अपनी शुरुआत की थी और कीर्ति शेट्टी ने अपनी मित्र भाषा तुलु यानी हिंदी और अंग्रेजी बोल सकती है। उन्होंने तेलुगु बोलना सीख लिया और अपने फिल्मी करियर के लिए तमिल भी सीख रही थी। कीर्ति शेट्टी ने एक अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु फिल्मों में दिखाई देती है और उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों अप्पन्ना 2021 में अपनी शुरुआत की थी। उसके बाद सुपरस्टार अभिनेता नितिन के साथ मचेरला नियाजो करगम मूवी में अभिनेत्री कीर्ति शेट्टी और सुपरस्टार अभिनेता नितिन की। हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों के हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म मोस्ट चार्टेड फिल्म सुपरस्टार अभिनेता नितिन सर की फिल्म मचेरला नियाजो करगम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे, जो कि दोस्तों इस फिल्म को हिंदी डब संस्करण MCK नाम से भी डब संस्करण किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे मचेरला नियाजो करगम मूवी रिव्यू और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को भी बतलाएंगे जो दोस्तों आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ फुल HD में यूट्यूब पर कहाँ से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे और दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म मचेरला मूवी का डायरेक्टर MS राजशेखर रेड्डी ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था और इस फिल्म का लिखित MS राजशेखर रेड्डी के द्वारा इस फिल्म का लिखित भी किया था। जबकि दोस्तों बात करें इस फिल्म का प्रोड्यूसर सुधाकर रेड्डी और निकिता रेड्डी ने मिलकर इस फिल्म का प्रोड्यूस किए थे। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन और अभिनेत्री कीर्ति शेट्टी कैथरीन टेरेसा के साथ साथ और भी स्टार देखने को नजर आएंगे। 12 अगस्त 2022 को रिलीज हुई फिल्म मचेरला मूवी जो कि 2022 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था और इस फिल्म का रनर टाइम 159 मिनट के साथ इस फिल्म को बनाई गई थी, जो कि इस फिल्म का तेलुगु भाषा के साथ रिलीज हुआ था, जो कि इस फिल्म को इंडियन सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। बात कर ले दोस्तों फिल्म मचेरला नियाजो करगम मूवी को रिलीज इस फिल्म का रिलीज 12 अगस्त 2022 को रिलीज किया गया था। 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज ने विनायक चतुर्थी के अवसर पर नितिन के साथ अपनी आगामी फिल्म की पूजा समारोह के साथ एक घोषणा की थी। इसका निर्माण श्रेष्ठ मूवीज के बैनर तले आदित्य मूवीज एंड इंटरटेनमेंट्स के सहयोग से किया गया है। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2021 में शुरू हुई थी और संगीत भीषम और उस्ताद के बाद नितिन के साथ उनके तीसरे सहयोग महत्थी और सौरभ सागर द्वारा रचित है। फिल्म की ऑडियो आदित्य म्यूजिक द्वारा वितरित किया गया था, जबकि पहला एकल शीर्षक चिल मारो नकाश अजीज संजना और कमांजे द्वारा गाया गया था और इसे 31 मई 2022 को रिलीज किया गया था। रारा रेडी आई एम रेडी शीर्षक वाला दूसरा एकल 9 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया था। सुपरस्टार अभिनेता नितिन की पहली फिल्म जयम का गाना रानू रानू अतुडी और चिन्न धो भी गाने के भीतर रिक्रिएट किया गया था। फिल्म मचेरला नियाजो करगम जो कि 2022 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे एम एस राजशेखर रेड्डी के डायरेक्टर में बनी फिल्म है, जो कि श्रेष्ठ मूवीज द्वारा निर्मित है और फिल्म में नितिन कीर्ति शेट्टी और कैथरीन टेरेसा के साथ साथ कई स्टार भी देखने को नजर आएंगे। इसे 12 अगस्त 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन एन सिद्धार्थ रेड्डी आईएएस उर्फ नितिन शेट्टी के रूप में दिखाई देंगे, जबकि अभिनेत्री कीर्ति शेट्टी स्वाति के रूप में है। वैसे ही दोस्तों निधि के रूप में
कैथरीन ट्रसन अपना रोल निभा रही है। और बात करें दोस्तों MS राजशेखर के डायरेक्टर में बनी फिल्म मचरला नियाजो करघम मूवी का सुपरस्टार अभिनेता नितिन जो कि यह एक भारतीय अभिनेता है जो कि जिन्होंने मुख्य रूप से नितिन के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता निर्माता जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। नितिन ने अपने काम ने उन्हें एक फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर अवार्ड के लिए 2 नामांकन अर्जित किया है। नितिन ने 2002 में रोमांटिक एक्शन फिल्म जयम 2002 से अभिनय की शुरुआत की और उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण दक्षिण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। इसके बाद नितिन दिल 2003 और श्री अंजयम 2004 और सई 2004 में दिखाई दिए थे। जबकि बात करें दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर असफलताओं की एक श्रृंखला के बाद नितिन ने रोमांस फिल्म इश्क 2012 के साथ सफलता हासिल की थी। उनकी अन्य सफल फिल्मों में गुंडे जारी ग्लेंथी येंदे 2013 और हार्ट अटैक 2014 AR 2016 और हिसन 2020 शामिल है। 2013 में नितिन ने अपना खुद का प्रोडक्शन स्टूडियो श्रेष्ठ मूवीज का स्थापना किया था जबकि नितिन ने तेलंगाना राज्य के लिए स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी है। फिल्म मचरला नियाजो करघम मूवी में सुपरस्टार अभिनेता नितिन की जबरदस्त भूमिका चली है जो कि इनका किरदार को देखते हुए फैंस काफ़ी इंजॉय उठाया था। फिल्म मचरला नियाजो करघम मूवी में अभिनेत्री कीर्ति सेट्टी और सुपरस्टार अभिनेता नितिन काफ़ी जबरदस्त भूमिका निभाए हैं जो कि दोस्तों आजकल भी यह फैंस के जुबा पर चलते हैं। फिल्म मचरला नियाजो करघम में सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने करियर की शुरुआत 2002 में तेजा के सुपरस्टार 2 में रवि नितिन ने अपने शुरुआती 2002 में तेजा द्वारा डायरेक्टर में फिल्म जयम से की थी जो कि निर्देशक तेजा ने उन्होंने सुदर्शन 35 मिमी थिएटर में अपनी फिल्म नुबुन्नु और नैनू की स्क्रीनिंग पर 2 बार देखा गया था। फिर तेजा ने उससे उनकी अभिनय रुचि के बारे में पूछताछ की और एक स्क्रीन टेस्ट और फोटो सत्र किया था और उन्होंने अपने निर्देशक और प्रोडक्शन वेंचर जयम के लिए लीड के रूप में चुना गया था और जिसमें श्रद्धा और गोपी चंद भी है। 2003 में नितिन ने बीबी विनायक द्वारा निर्देशित फिल्म 2003 में निर्देशित फिल्म दिल में अभिनय किया था और दिलराजू द्वारा निर्मित बाद में उसी वर्ष नितिन ने संभ्रम फिल्म में अभिनय किया था। और उसके बाद बात करें दोस्तों अभिनेत्री सुपरस्टार अभिनेत्री कीर्ति सेट्टी जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कि तेलुगु फिल्म में दिखाई देती है। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों अप्पेन्ना 2021 के साथ अपनी शुरुआत की थी और कीर्ति सेट्टी ने अपनी मित्र भाषा तुलु यानी हिंदी और अंग्रेजी बोल सकती है। उन्होंने तेलुगु बोलना सीख लिया और अपने फिल्मी करियर के लिए तमिल भी सीख रही थी। कीर्ति सेट्टी ने एक अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु फिल्मों में दिखाई देती है और उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों अप्पेन्ना 2021 में अपनी शुरुआत की थी। उसके बाद सुपरस्टार अभिनेता नितिन के साथ मचरला नियाजो करघम मूवी में अभिनेत्री कीर्ति सेट्टी और सुपरस्टार अभिनेता नितिन की जोड़ी देखने को आपको मिलेंगे। हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों के हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म मोस्ट एंड मचॉटेड फिल्म सुपरस्टार अभिनेता नितिन सर की फिल्म मचरला नियाजो करघम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे जो कि दोस्तों इस फिल्म को हिंदी डब संस्करण MC के नाम से भी डब संस्करण किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे मचरला नियाजो करघम मूवी रिव्यू और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को भी बतलाएंगे जो दोस्तों आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ फुल HD में यूट्यूब पे कहाँ से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे और दोस्तों
चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म मचरला मूवी का डायरेक्टर M.S. राजशेखर रेड्डी ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था और इस फिल्म का लिखित M.S. राजशेखर रेड्डी के द्वारा इस फिल्म का लिखित भी किया था। जबकि दोस्तों बात करें इस फिल्म का प्रोड्यूसर सुधाकर रेड्डी और निकिता रेड्डी ने मिलकर इस फिल्म का प्रोड्यूस किए थे। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन और अभिनेत्री कीर्ति शेट्टी, कैथरीन टेरेसा के साथ साथ और भी स्टार देखने को नजर आएंगे। 12 अगस्त 2022 को रिलीज हुई फिल्म मचरला मूवी जो कि 2022 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था और इस फिल्म का रन टाइम 159 मिनट के साथ इस फिल्म को बनाई गई थी, जो कि इस फिल्म का तेलुगु भाषा के साथ रिलीज हुआ था, जो कि इस फिल्म को इंडियन सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। बात कर ले दोस्तों फिल्म मचरला नियजो करखम मूवी को रिलीज, इस फिल्म का रिलीज 12 अगस्त 2022 को रिलीज किया गया था। 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज ने विनायक चतुर्थी के अवसर पर नितिन के साथ अपनी आगामी फिल्म की पूजा समारोह के साथ एक घोषणा की थी। इसका निर्माण श्रेष्ठ मूवीज के बैनर तले आदित्य मूवीज एंड इंटरटेनमेंट्स के सहयोग से किया गया है। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2021 में शुरू हुई थी और संगीत भीषम और उस्ताद के बाद नितिन के साथ उनके तीसरे सहयोग महथी और सौरभ सागर द्वारा रचित है। फिल्म की ऑडियो आदित्य म्यूजिक द्वारा वितरित किया गया था, जबकि पहला एकल शीर्षक चिल मारो नकाश अजीज संजना और कमांजे द्वारा गाया गया था और इसे 31 मई 2022 को रिलीज किया गया था। रारा रेडी आई एम रेडी शीर्षक वाला दूसरा एकल 9 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया था। सुपरस्टार अभिनेता नितिन की पहली फिल्म जयम का गाना रानू रानू अतुडी और चिन्नधो भी गाने के भीतर रिक्रिएट किया गया था। फिल्म मचरला नेजो करकम जो कि 2022 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे एम एस राजशेखर रेड्डी के डायरेक्टर में बनी फिल्म है, जो कि श्रेष्ठ मूवीज द्वारा निर्मित है और फिल्म में नितिन, कृति शेट्टी और कैथरीन टेरेसा के साथ साथ कई स्टार भी देखने को नजर आएंगे। इसे 12 अगस्त 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन एन सिद्धार्थ रेड्डी आई एस उर्फ नितिन शेट्टी के रूप में दिखाई देंगे, जबकि अभिनेत्री कीर्ति शेट्टी स्वाति के रूप में है। वैसे ही दोस्तों निधि के रूप में कैथरीन टेरेसा अपना रोल निभा रही है। और बात करें दोस्तों M.S. राजशेखर के डायरेक्टर में बनी फिल्म मचरला नियजो करघम मूवी का सुपरस्टार अभिनेता नितिन, जो कि यह एक भारतीय अभिनेता है जो कि जिन्होंने मुख्य रूप से नितिन के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता निर्माता जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। नितिन ने अपने काम ने उन्हें एक फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर अवार्ड के लिए 2 नामांकन अर्जित किया है। नितिन ने 2002 में रोमांटिक एक्शन फिल्म जयम 2002 से अभिनय की शुरुआत की और उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण दक्षिण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। इसके बाद नितिन दिल 2003 और श्री अंजयम 2004 और सई 2004 में दिखाई दिए थे। जबकि बात करें दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर असफलताओं की एक श्रृंखला के बाद नितिन ने रोमांस फिल्म इश्क 2012 के साथ सफलता हासिल की थी। उनकी अन्य सफल फिल्मों में गुंडे जारी ग्लेंथी येंदे 2013 और हार्ट अटैक 2014, AR 2016 और हिसन 2020 शामिल है। 2013 में नितिन ने अपना खुद का प्रोडक्शन स्टूडियो श्रेष्ठ मूवीज का स्थापना किया था, जबकि नितिन ने तेलंगाना राज्य के लिए स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी है।
फिल्म माचारला ने जो करघम मूवी में सुपरस्टार अभिनेता नितिन की जबरदस्त भूमिका चली है, जो कि इनका किरदार को देखते हुए फैंस काफ़ी इंजॉय उठाया था। फिल्म माचारला ने जो करघम मूवी में अभिनेत्री कीर्ति शेट्टी और सुपरस्टार अभिनेता नितिन काफ़ी जबरदस्त भूमिका निभाए हैं, जो कि दोस्तों आजकल भी यह फैंस के जुबा पर चलते हैं। फिल्म माचारला ने जो करघम में सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने करियर की शुरुआत 2002 में तेजा के सुपरस्टार दो में रवि नितिन ने अपने शुरुआती 2002 में तेजा द्वारा डायरेक्टर में फिल्म जयम से की थी, जो कि निर्देशक तेजा ने उन्होंने सुदर्शन 35 मिमी थिएटर में अपनी फिल्म नुबुन्नु और नैनु की स्क्रीनिंग पर दो बार देखा गया था। फिर तेजा ने उससे उनकी अभिनय रुचि के बारे में पूछताछ की और एक स्क्रीन टेस्ट और फोटो सत्र किया था, और उन्होंने अपने निर्देशक और प्रोडक्शन वेंचर जयम के लिए लीड के रूप में चुना गया था, और जिसमें श्रद्धा और गोपी चंद भी है। 2003 में नितिन ने बीबी विनायक द्वारा निर्देशित फिल्म 2003 में निर्देशित फिल्म दिल में अभिनय किया था, और दिलराजू द्वारा निर्मित बाद में उसी वर्ष नितिन ने संभ्रम फिल्म में अभिनय किया था। और उसके बाद बात करें दोस्तों अभिनेत्री सुपरस्टार अभिनेत्री कीर्ति शेट्टी, जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कि तेलुगु फिल्म में दिखाई देती है। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों अप्पन्ना 2021 के साथ अपनी शुरुआत की थी, और कीर्ति शेट्टी ने अपनी मित्र भाषा तुलु यानी हिंदी और अंग्रेजी बोल सकती है। उन्होंने तेलुगु बोलना सीख लिया और अपने फिल्मी करियर के लिए तमिल भी सीख रही थी। कीर्ति शेट्टी ने एक अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु फिल्मों में दिखाई देती है, और उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों अप्पन्ना 2021 में अपनी शुरुआत की थी। उसके बाद सुपरस्टार अभिनेता नितिन के साथ माचारला नेजो करघम मूवी में अभिनेत्री कीर्ति शेट्टी और सुपरस्टार अभिनेता नितिन की जोड़ी देखने को आपको मिलेंगे। हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों के हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म मोस्ट एंड मॉचाउटेड फिल्म सुपरस्टार अभिनेता नितिन सर की फिल्म माचारला नेजो करघम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे, जो कि दोस्तों इस फिल्म को हिंदी डब संस्करण MC के नाम से भी डब संस्करण किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे माचारला नेजो करघम मूवी रिव्यू, और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को भी बतलाएंगे जो दोस्तों आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे, और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ फुल HD में YouTube पे कहाँ से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे, और दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म माचारला मूवी का डायरेक्टर MS राजशेखर रेड्डी ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था, और इस फिल्म का लिखित MS राजशेखर रेड्डी के द्वारा इस फिल्म का लिखित भी किया था। जबकि दोस्तों बात करें इस फिल्म का प्रोड्यूसर सुधाकर रेड्डी और निकिता रेड्डी ने मिलकर इस फिल्म का प्रोड्यूस किए थे। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन और अभिनेत्री कीर्ति शेट्टी कैथरीन टेरेसा के साथ साथ और भी स्टार देखने को नजर आएंगे। 12 अगस्त 2022 को रिलीज हुई फिल्म माचारला मूवी, जो कि 2022 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था, और इस फिल्म का रन टाइम 159 मिनट के साथ इस फिल्म को बनाई गई थी, जो कि इस फिल्म का तेलुगु भाषा के साथ रिलीज हुआ था, जो कि इस फिल्म को इंडियन सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। बात कर ले दोस्तों फिल्म माचारला नेजो करघम मूवी को रिलीज इस फिल्म का रिलीज 12 अगस्त 2022 को रिलीज किया गया था। 10 सितंबर 2021 को श्रेष्ठ मूवीज ने विनायक चतुर्थी के अवसर पर नितिन के साथ अपनी आगामी फिल्म की पूजा समारोह के साथ एक घोषणा की थी। इसका निर्माण श्रेष्ठ मूवीज के बैनर तले आदित्य मूवीज एंड इंटरटेनमेंट्स के सहयोग से किया गया है।
फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2021 में शुरू हुई थी और संगीत तो भीषम और उस्ताद के बाद नितिन के साथ उनके तीसरे सहयोग महथी और सौरभ सागर द्वारा रचित है। फिल्म की ऑडियो आदित्य म्यूजिक द्वारा वितरित किया गया था, जबकि पहला एकल शीर्षक चिल मारो नकाश अजीज संजना और कमांजे द्वारा गाया गया था और इसे 31 मई 2022 को रिलीज किया गया था। रारा रेडी आई एम रेडी शीर्षक वाला दूसरा एकल 9 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया था। सुपरस्टार अभिनेता नितिन की पहली फिल्म जयम का गाना रानू रानू अतुडी और चिन्नधो भी गाने के भीतर रिक्रिएट किया गया था। फिल्म मचरला नेजो करगम जो कि 2022 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे एम एस राजशेखर रेड्डी के डायरेक्टर में बनी फिल्म है, जो कि श्रेष्ठ मूवीज द्वारा निर्मित है और फिल्म में नितिन कृति सेठी और कैथरीन ट्रेसा के साथ साथ कई स्टार भी देखने को नजर आएंगे। इसे 12 अगस्त 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और आलोचकों से ज़्यादातर नकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई थी। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता नितिन एन सिद्धार्थ रेड्डी आई एस उर्फ नितिन सेठी के रूप में दिखाई देंगे, जबकि अभिनेत्री कीर्ति सेठी स्वाति के रूप में है। वैसे ही दोस्तों निधि के रूप में कैथरीन ट्रेसा अपना रोल निभा रही है। और बात करें दोस्तों एम एस राजशेखर के डायरेक्टर में बनी फिल्म मचरला नेजो कोरगम मूवी का सुपरस्टार अभिनेता नितिन, जो कि यह एक भारतीय अभिनेता है जो कि जिन्होंने मुख्य रूप से नितिन के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता निर्माता जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं। नितिन ने अपने काम ने उन्हें एक फिल्मफेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर अवार्ड के लिए 2 नामांकन अर्जित किया है। नितिन ने 2002 में रोमांटिक एक्शन फिल्म जयम 2002 से अभिनय की शुरुआत की और उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण दक्षिण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। इसके बाद नितिन दिल 2003 और श्री अंजयम 2004 और सई 2004 में दिखाई दिए थे। जबकि बात करें दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर असफलताओं की एक श्रृंखला के बाद नितिन ने रोमांस फिल्म इश्क 2012 के साथ सफलता हासिल की थी। उनकी अन्य सफल फिल्मों में गुंडे जारी ग्लेंथी येंदे 2013 और हार्ट अटैक 2014 AR 2016 और हिसन 2020 शामिल है। 2013 में नितिन ने अपना खुद का प्रोडक्शन स्टूडियो श्रेष्ठ मूवीज का स्थापना किया था, जबकि नितिन ने तेलंगाना राज्य के लिए स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर भी है। फिल्म मचरला नेजो कोरगम मूवी में सुपरस्टार अभिनेता नितिन की जबरदस्त भूमिका चली है, जो कि इनका किरदार को देखते हुए फैंस काफ़ी इंजॉय उठाया था। फिल्म मचरला नेजो कोरगम मूवी में अभिनेत्री कीर्ति सेठी और सुपरस्टार अभिनेता नितिन काफ़ी जबरदस्त भूमिका निभाए हैं, जो कि दोस्तों आजकल भी यह फैंस के जुबा पर चलते हैं। फिल्म मचरला नेजो कोरगम में सुपरस्टार अभिनेता नितिन ने अपने करियर की शुरुआत 2002 में तेजा के सुपरस्टार 2 में रवि नितिन ने अपने शुरुआती 2002 में तेजा द्वारा डायरेक्टर में फिल्म जयम से की थी, जो कि निर्देशक तेजा ने उन्होंने सुदर्शन 35 मिमी थिएटर में अपनी फिल्म नुबुन्नु और नैनू की स्क्रीनिंग पर 2 बार देखा गया था। फिर तेजा ने उससे उनकी अभिनय रुचि के बारे में पूछताछ की और एक स्क्रीन टेस्ट और फोटो सत्र किया था और उन्होंने अपने निर्देशक और प्रोडक्शन वेंचर जयम के लिए लीड के रूप में चुना गया था, और जिसमें श्रद्धा और गोपी चंद भी है। 2003 में नितिन ने बीबी विनायक द्वारा निर्देशित फिल्म 2003 में निर्देशित फिल्म दिल में अभिनय किया था और दिलराजू द्वारा निर्मित बाद में उसी वर्ष नितिन ने संभ्रम फिल्म में अभिनय किया था
और उसके बाद बात करें दोस्तों अभिनेत्री सुपरस्टार अभिनेत्री कीर्ति शेट्टी, जो कि दोस्तों यह एक भारतीय अभिनेत्री है जो कि तेलुगु फिल्म में दिखाई देती है। उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों अप्पन्ना 2021 के साथ अपनी शुरुआत की थी, और कीर्ति शेट्टी ने अपनी मित्र भाषा तुलु यानी हिंदी और अंग्रेजी बोल सकती है। उन्होंने तेलुगु बोलना सीख लिया और अपने फिल्मी करियर के लिए तमिल भी सीख रही थी। कीर्ति शेट्टी ने एक अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से तेलुगु फिल्मों में दिखाई देती है, और उन्होंने व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों अप्पन्ना 2021 में अपनी शुरुआत की थी। उसके बाद सुपरस्टार अभिनेता नितिन के साथ मचरला नियाजो करगम मूवी में अभिनेत्री कीर्ति शेट्टी और सुपरस्टार अभिनेता नितिन की जोड़ी देखने को आपको मिलेंगे।